मैं बहुत आभारी हूं आप सबका कि आप यहां पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, मुझे आपसे कुछ बात कहने का, संवाद करने का मौका मिल रहा है। आप सब मेरे बारे में जानते हैं कि मैं हिंदी भाषी हूं, मुझे मराठी बोलना नहीं आता। मैंने अभी थोड़ा मराठी पढ़ना सीखा है और मराठी कोई बोले तो मैं समझता हूं। बोलना शायद थोड़े दिन में सीखूंगा, फिर आपके बीच मराठी में व्याख्यान करूंगा। अभी आज मुझे आप माफ करेंगे, कभी शायद समय आएगा तो मैं मराठी में भी आपसे बात करूंगा। अपने देश की परिस्थिति जो है आज की, उसको ध्यान में रखकर हम लोग पिछले कई वर्षों से आजादी बचाओ आंदोलन चलाते हैं। उस आंदोलन का परिचय आप सबको है। ये आजादी बचाओ आंदोलन 1984 में यूनियन कार्बाइड की दुर्घटना के बाद शुरू हुआ था। भोपाल में आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड जिसका नाम था। उस गैस कांड में 3 दिसंबर 84 की रात को 22,000 लोग मरे थे। उन 22,000 लोगों की मृत्यु के बाद हम लोगों ने आजादी बचाओ आंदोलन शुरू किया था। और जब ये आंदोलन शुरू किया था तो उस समय उसका एक लक्ष्य था, और लक्ष्य ये था कि जिस अमरीकी कंपनी ने भोपाल शहर के 22,000 लोगों का खून किया, उसको भारत से भगाना। क्योंकि जिस अमरीकी कंपनी ने यह दुर्घटना की थी, उस अमरीकी कंपनी को भारत सरकार कोई सजा नहीं दे पाई थी। भारत सरकार ने तो उस अमरीकी कंपनी के साथ एक समझौता कर लिया था और उस समझौते के आधार पर यूनियन कार्बाइड कंपनी को माफ कर दिया था। तब हम लोगों ने उस अमरीकी कंपनी को भगाने का एक अभियान शुरू किया, जिसमें हम सफल रहे और हमने उस यूनियन कार्बाइड कंपनी को भगा दिया था। बाद में यूनियन कार्बाइड जैसी ही एक और अमरीकी कंपनी को हमने भगाया था। उस अमरीकी कंपनी का नाम था कारगिल। एक तीसरी अमरीकी कंपनी को भगाया था भारत से, उसका नाम था ड्यूपॉन्ट। एक ऐसी अमेरिकन कंपनी को भगाया था हमारे देश से जो दारू बनाने के लिए आई थी, उसका राजस्थान में अलवर जिले में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला था, जिस प्रोजेक्ट में वो कंपनी हर दिन 4 करोड़ लीटर दारू बनाने वाली थी। आप जानते हैं राजस्थान में भयंकर पानी का संकट रहता है, तो जिस क्षेत्र में पानी नहीं मिलता पीने को, वहां एक अमरीकी कंपनी का दारू फैक्ट्री बने और उसमें 4 करोड़ लीटर दारू रोज बने और वो बाजार में बिके, तो वो हमें मंजूर नहीं था। हमने उस कंपनी को भी वहां से भगा दिया था। तो ऐसी कई कई अमरीकी कंपनियों को भारत से भगाने का एक अभियान, इसी का नाम है आजादी बचाओ आंदोलन। इसी आंदोलन में मैं लगा हुआ हूं पिछले कई वर्षों से। बाद में हमें एक बात का और एहसास हुआ, और वो ये बात का एहसास हुआ कि सिर्फ अमरीकी कंपनियों को ही भारत से भगाने का काम हम करेंगे तो उससे कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि अमरीका के अलावा भी बहुत सारे दूसरे देशों की कंपनियां अपने देश में हैं। यूरोप की कंपनियां हैं, जापान की हैं, जर्मनी की हैं, फ्रांस की हैं। तब हम लोगों ने एक और अभियान शुरू किया 1991 के साल से कि सभी परदेशी कंपनियों को भारत से भगाना। फिर बाद में हम लोगों को एक और जानकारी मिली कि अगर सभी परदेशी कंपनियां भारत से भाग जाएं तो भी अपने देश में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान पूरा नहीं होगा। तो हम लोगों ने फिर देश की समस्याओं का अध्ययन करना शुरू किया, और उन समस्याओं के समाधान को जब हम समझ पाए पिछले 10 वर्षों में, तो हमको ऐसा लगा कि भारत काफी कुछ परदेशी हो गया है, हमारे देश का काफी कुछ परदेशीकरण हो गया है। संस्कृति के स्तर पर हो गया है, अर्थव्यवस्था के स्तर पर हो गया है, राजनीति के स्तर पर हो गया है, हमारे विचारों में परदेशीपन आ गया है, पहनावे में काफी कुछ परदेशीपन आ गया है। और अभी तो आप उससे भी गहरी बात अगर मैं कहूं, हमारी मान्यताओं में परदेशीपन आ गया है। अब जब किसी राष्ट्र और समाज की मान्यताएं बदलने लगती हैं, परदेशीपन उनमें आ जाता है, तो संकट बहुत गहरा होता है। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि भारत की जो मान्यताएं हैं, भारतीयता वाली स्वदेशी मान्यताएं जो हैं, उनके आधार पर संपूर्ण भारतवर्ष का फिर से निर्माण करें, ऐसे एक काम के लिए, ऐसी एक कल्पना के साथ हमने ये आंदोलन शुरू किया है। और इस आंदोलन के पीछे की जो भूमिका है वो एक ही वाक्य में मैं कहना चाहता हूं, आजादी बचाओ आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो संपूर्ण भारत को भारतीयता के आधार पर, भारत की मान्यताओं के आधार पर,
पूरे राष्ट्र को फिर से स्थापित करने का आंदोलन है। अब ये भारतीयता की जो मान्यताएं हैं और हमारी जो परिस्थिति है आज की, उसमें काफी कुछ मुश्किलात हैं। तो आज की परिस्थिति परदेशियत वाली है, विदेशीपन वाली है, और हम भारतीयता की बात कर रहे हैं। तो कई लोग तो कहते हैं कि राजीव भाई आप कहीं मूर्खता का काम तो नहीं कर रहे, आप तो बहाव के विरुद्ध काम कर रहे हैं, प्रवाह एक दिशा में है और आप उसके उल्टी दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं उनको बहुत विनम्रता से कहता हूं कि हाँ, बहाव के विरुद्ध काम करने में ही तो मजा आता है, बहाव के साथ अगर काम करें तो वो तो कोई भी कर सकता है। जो अनोखे काम होते हैं दुनिया में वो ऐसे ही होते हैं। तो कुछ ऐसी ही कोशिश हम कर रहे हैं। भारत की आज की परिस्थिति और आज की परिस्थिति से निकलने वाले प्रश्न और उनका समाधान, यही तीन बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बहुत बार आपने मेरे व्याख्यान सुने हैं, आज कुछ अलग बात आपसे कहूंगा जो पहले के किसी व्याख्यान में मैंने नहीं कही, क्योंकि कई लोगों की मांग है कि राजीव भाई आज आप कुछ नई बात कहिए, तो कुछ नई बात भी आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। और अब मैं मेरा व्याख्यान एक बिल्कुल नई घटना से शुरू करता हूं। अभी थोड़े समय पूर्व हमारे भारत देश में एक जनसंख्या का सर्वेक्षण हुआ था, लोक संख्या सर्वेक्षण जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में अगर एक शब्द आप उसको कहें तो सेंसस। हर 10 वर्ष में भारत देश में सेंसस होता है। सेंसस माने पूरे देश की लोक संख्या की परिस्थिति क्या है, उसके बारे में सरकार माहिती लेती है। फिर हमारे देश की सरकार का जो माहिती खाता है और उसके साथ एक स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, दोनों मिलकर एक बुकलेट प्रकाशित करते हैं और वो बुकलेट पूरे देश में परिस्थिति क्या है वो बताती है। तो फरवरी मार्च के महीने में इसी वर्ष माने सन 2001 में सेंसस हुआ। शायद आपको याद होगा, आपके घर में कुछ सरकारी खाता के कर्मचारी आए होंगे जिन्होंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे होंगे और उन प्रश्नों का जवाब आपने दिया होगा, उसके आधार पर वो सेंसस पूरे देश में चला। ये सेंसस जब पूरा हुआ तो सरकार ने पूरे देश के सामने कुछ माहिती दी, उसमें से कुछ माहिती मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहली माहिती ऐसी मिली कि 101 कोटी की लोक संख्या हमारे देश में हो गई है। दूसरी माहिती ये मिली कि 101 कोटी की लोक संख्या में 45 कोटी लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, और इतने गरीब हैं जिनको दो समय खाने के लिए रोटी नहीं है, 45 कोटी लोगों। तीसरी माहिती उस सेंसस में ये मिली कि जो 45 कोटी लोगों की भयंकर गरीबी अपने देश में है, इन 45 कोटी लोगों में 25 कोटी लोग इतने गरीब हैं जिनके पास एक दिवस में खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं, 5 रुपए प्रति व्यक्ति नहीं है एक दिवस में खर्च करने, ऐसे 25 कोटी लोग हैं। फिर सरकार की माहिती के अनुसार 10 कोटी लोग अपने देश में ऐसे हैं जिनके पास एक दिवस में खर्च करने के लिए 1 रुपया नहीं, और 5 कोटी लोग तो इतने गरीब हैं अपने देश में जिनके पास एक दिवस में खर्च करने के लिए 50 पैसा भी नहीं। यह हमारी सरकार की माहिती है जो बताती है, और आप जानते हैं कि सरकार माहिती देती कम है, छुपाती ज्यादा है। तो अगर इस माहिती को सच्चा मानना हो तो इसमें कुछ और बढ़ोतरी करनी होगी। जैसे सरकार ने कहा कि 45 कोटी लोग हैं जो गरीबी के रेखा के नीचे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है 60-70 कोटी लोग हों गरीबी की रेखा के नीचे, क्योंकि अमीरी की रेखा के ऊपर रहने वालों की संख्या तो 1 या 2 कोटी है इस देश में, और उस अमीरी रेखा के बहुत नजदीक जिसको अपर मिडिल क्लास कहते हैं हम, उच्च मध्य वर्ग, उन लोगों की संख्या मुश्किल से 4-5 कोटी है, बाकी तो मध्य वर्ग है और निम्न मध्य वर्ग है। तो 5-6 कोटी लोगों को छोड़ दिया जाए तो 90 से 94 कोटी लोगों की परिस्थिति इस देश में कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, मेरे अनुमान से। सरकार तो कहती है कि 45 कोटी लोग ही बहुत गरीब हैं। एक माहिती और देता हूं, उसी सेंसस की रिपोर्ट में सरकार ने बताया कि संपूर्ण भारतवर्ष में 25 कोटी परिवार हैं। 101 कोटी की लोक संख्या में 25 कोटी परिवार, और 101 कोटी की लोक संख्या में जो 25 कोटी परिवार हैं उनमें से करीब करीब अगर ऐसा माना जाए कि एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, ऐसा सरकार का अनुमान है, तो 25 कोटी परिवार पूरे देश में हैं। अब इन 25 कोटी परिवारों की परिस्थिति क्या है, आपको याद होगा जब सेंसस वाले आपके घर आए होंगे तो उन्होंने इस सवाल को भी पूछा होगा कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, कोई मेंबर काम करता उसके साथ दूसरा कोई काम करता तीसरा कोई काम करता, आपके घर में टीवी है कि नहीं है, फ्रिज है कि नहीं है, ये सब माहिती उन्होंने ली थी। वही सब माहिती अब टेबुलेशन होने के बाद आई है। तो 25 कोटी परिवारों में 11 कोटी परिवार ऐसे हैं जहां संडास की कोई व्यवस्था नहीं है,
सरकार की माहिती के अनुसार 11 कोटी परिवार, और जो 11 कोटी परिवारों में संडास की व्यवस्था नहीं है उन परिवारों की माताओं बहनों को संडास के लिए सड़क के दोनों बाजू बैठना पड़ता है। मैं पूरे देश में एक एक गांव से दूसरे गांव घूमता हूं, मुझे बहुत दुख होता है कि जब मैं किसी गांव में जाता हूं और मेरी गाड़ी की हेडलाइट सड़क पर पड़ती है तो किसी बहन को किसी माता को खड़े होना पड़ता है, फिर मेरी गाड़ी गुजर जाने के बाद फिर बैठना पड़ता है। कोई मुझसे पूछता है राजीव भाई आपकी जिंदगी में सबसे खराब समय कौन सा होता है, वही समय मैं सबसे खराब मानता हूं। मैं मेरे ऊपर यही सोचता रहता हूं कि मैं किस देश में पैदा हुआ जिस देश की माताओं बहनों को उनकी जिंदगी के नितांत निजी क्षणों को भी हम कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे। आजादी के 50 वर्ष अपने देश में हो गए और 11 कोटी परिवारों में संडास नहीं होने का अर्थ यह है कि लगभग 50% परिवार इस मार से पीड़ित हैं। अभी थोड़े दिन पूर्व मेरी एक नेता से बात हुई, एक मंत्री महोदय से बात हुई, उन्होंने कहा कि राजीव भाई हम तो हर एक परिवार को कहते हैं कि आप 400 रुपए लगाओ तो हम आपके घर में संडास की व्यवस्था करें। तो मैंने उनसे कहा कि भाईजान 400 रुपए देने वाले भी लोग नहीं है इस देश में, आप 400 रुपए लोगे किससे, उनके पास शायद 400 रुपए भी नहीं है जो आपको वो दे सकें और आप उनके संडास की व्यवस्था करके दे सकें। ऐसी परिस्थिति पूरे देश में है। तो ये तो लोक संख्या के बारे में मैंने कहा। अब इसके साथ एक और माहिती मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अपने देश में 5,76,000 गांव हैं कुल मिलाकर संपूर्ण भारत में। इन 5,76,000 गांवों में लगभग 2,75,000 गांव ऐसे हैं जहां पीने का शुद्ध पानी नहीं, प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है उन गांवों में। और उन गांवों में जहां पीने का शुद्ध पानी नहीं है उन्हीं गांवों में हमारे देश के बहुत सारे माताओं बहनों को, पुरुषों को मैं देखता हूं, एक बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। आप जाएं कभी कच्छ में, सौराष्ट्र में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में और इधर आंध्र में, कर्नाटक में, कई गांव ऐसे मिलेंगे आपको जहां पीने का पानी या तो टैंकर से लाना पड़ता है सरकार को, और अगर सरकार टैंकर नहीं भेजती तो लोगों को पैदल जाकर पानी लाना पड़ता है। ऐसे गांव हैं अपने देश में। फिर इसी देश में कुल गांव मैंने कहा लगभग 2,05,76,000, उनमें से 50% गांव ऐसे हैं जहां अभी तक बीज की व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइन नहीं है। 50% गांव अभी तक। मैं जिस गांव में पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम आपको लिया गया नाह मेरा गांव है अलीगढ़ जिले में, मेरे गांव में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अभी तक नहीं मेरे गांव में, आप कल्पना कर सकते हैं। और मेरे जैसे हिंदुस्तान में लाखों गांव है, और मेरे गांव में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, रोड्स भी नहीं है। मुझे मेरा गांव जब जाना होता है तो एक जगह तक मैं गाड़ी से जा सकता हूं, उसके बाद फिर पैदल 5-6 किलोमीटर अंदर इंटीरियर में जाना होता, गाड़ी भी नहीं जा सकती क्योंकि रोड्स ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति हिंदुस्तान के 48% गांव में। और लगभग 50% ही गांव ऐसे हैं जहां पर कोई बीमार पड़ गया तो उसको मरने का ही इंतजार करना पड़ेगा, डॉक्टर नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, दवा नहीं है। ऐसी परिस्थिति अपने देश में है। और एक आखिरी बात इसी से जुड़ी हुई ये कहना चाहता हूं कि जिन 11 कोटी परिवारों में संडास की व्यवस्था नहीं है उन्हीं परिवारों में एक एक व्यक्ति के पास पहनने के लिए 5-5 मीटर कपड़ा भी नहीं है, कापड़ भी नहीं। मैंने हिंदुस्तान के अत्यंत गरीब लोगों को देखा है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते यहां बैठे हुए। मैं भारत पूरा घूम चुका हूं, शायद ही कोई प्रदेश है जहां मैं नहीं गया। अभी थोड़े दिवस पूर्व मैं उड़ीसा गया था। उड़ीसा में एक जिला है उसका नाम है कालाहांडी। कालाहांडी जिले का एक गांव है उसका नाम है भवानीपट्टनम। भवानीपट्टनम गांव में मैं सभा करने गया था, तो सभा आयोजन जहां पर था वो बहुत बड़ा मैदान था, बहुत सारे लोग उसमें आए थे। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की थी कि जो लोग मेरा व्याख्यान सुनने आए थे उनमें से बहुत थोड़े लोग मेरे सामने बैठे थे, ज्यादा लोग झाड़ के पीछे खड़े हुए थे लेकिन व्याख्यान सुनना चाहते थे, झाड़ के पीछे खड़े हुए थे। मैंने एक आयोजक को कहा कि भाई ये जो झाड़ के पीछे लोग खड़े हैं इनको सामने लाके बिठाऊं ना, तो उसने कहा वो नहीं आएंगे। तो मैंने पूछा क्यों नहीं आएंगे, तो उनका उनके शरीर पर इतना कापड़ नहीं है कि वो आपके सामने आके बैठ सके। लेकिन वो ये जानना चाहते थे कि कोई आदमी हमारी गरीबी के बारे में बात करने आया है, उनको ये मालूम था। लेकिन वो सामने आने में इतने शर्मिंदगी महसूस करते थे कि उनके पास कापड़ नहीं। फिर मैंने उसी भवानीपट्टनम के आसपास के गांवों में दौरा किया था, सर्वे किया था। तो एक गांव में मैं गया, वहां के गांव में मैंने देखा किसी भी घर में तो शायद दरवाजा नहीं,
और झोपड़े जैसे घर, कोई भी घर कहलाने लायक स्थिति में था नहीं। 10 फीट 12 फीट का उनका छोटा सा झोपड़ा, उसी में 5-6 लोगों का परिवार रहता है, पता नहीं कैसे रहता है, मेरी कल्पना के बाहर। फिर उस गांव के सरपंच के घर में मैं गया तो सरपंच का घर भी वैसा ही। फिर सरपंच के घर में मैं गया तो मैंने सोचा उससे कुछ मैं बात करूं, तो मेरे साथ मेरे कई कार्यकर्ता थे जो उड़िया भाषा बोलते हैं, तो मैंने उनको कहा जरा सरपंच को बुलाओ। तो उन्होंने कहा वो आएगा नहीं, आप उसके घर चलो। तो मैंने कहा चलो, तो हम गए सरपंच के घर। तो सरपंच को जब हमने आवाज दिया, क्योंकि दरवाजा तो था नहीं तो हम क्या कहते, खटखट तो कर नहीं सकते, कुछ सांकल थी नहीं, आवाज दिया तो उसकी पत्नी बाहर आई। तो मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर कि उस बहन के शरीर पर 2 मीटर भी कापड़ नहीं जिससे वो अपने पूरे शरीर को लपेट सके, 2 मीटर भी कापड़ नहीं। फिर मैंने उसको कहा कि आप बाहर मत आओ, आप अपने अंदर जाओ, अपने पति को बाहर भेजो। तो वो बहन अंदर गई तो थोड़ा देर लगे उसके पति को बाहर आने में। तो मैं सोच रहा था क्यों बाहर नहीं आता, तो मुझे इतना तकलीफ हुई और मैं रो दिया उस दिन कि जो कापड़ लपेट कर पत्नी बाहर आई थी वही कापड़ पहन के पति बाहर आए। इतनी भयंकर गरीबी में हिंदुस्तान के कोटि कोटि लोग रहते हैं। तो ये परिस्थिति आज अपने देश की है। तो ये परिस्थिति जब अपने देश की है तो वो मुझे बहुत तकलीफ देती है। मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न आता है कि इतनी गरीबी क्यों, क्या पाप किया है हमने, कौन से पाप की सजा ईश्वर हमें दे रहा है, क्यों इतनी भयंकर गरीबी में लोग हैं। गरीबी का अंदाजा आप लगाना चाहें तो रोज अखबारों में खबर आती है। अभी एक सप्ताह पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में कटिंग काटा, कटिंग ये था, न्यूज ये थी कि छत्तीसगढ़ नाम का एक प्रदेश है, वहां पर एक गांव में 20 लोग, 4 परिवार के 20 लोग, उनको एक सप्ताह से भोजन नहीं मिला करने को। तो उन्होंने क्या किया कि गांव में एक भैंस मर गई थी, तो मरी हुई भैंस का मांस खाया और बेचारे वो अगले दिन सब मर गए, 20 लोग एक साथ मर गए एक गांव। उसी छत्तीसगढ़ में उड़ीसा में से ये भी खबरें आती हैं कि बहुत सारे आदिवासी वनवासी, हम जो भी कहें अपने हिसाब से, उनको जो भी संबोधन करें, जो वनों में रहने वाले लोग, हमारे ही देश के लोग, हमारे ही भाई बहन, जिनको कभी खाने को रोटी नहीं मिलती तो वो पेड़ की जड़ काटकर पानी में उबालकर उसी को खा लेते हैं, उसी को वो भोजन मानते हैं। अब ऐसी परिस्थिति पूरे देश में है। भारत सरकार के बहुत सारे अधिकारी मानते हैं कि राजीव भाई हमारे पास जितनी माहिती आती है भूख से मरने वाले लोगों की, उससे कई गुने ज्यादा लोग मरते हैं दर वर्ष, क्योंकि हमारे पास जो केस रजिस्टर होते हैं वो 2 रास्ते से, या तो FIR हो, पुलिस में कोई रिपोर्ट आए, या समाचार में खबर छपे न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर में नहीं आता और पुलिस के कोई सूचना नहीं तो हमें तो मालूम ही नहीं कि कितने लोग मर गए। मेरे एक मित्र हैं जो भारत सरकार में बहुत लंबे समय तक कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, SP शर्मा। एक बार मैंने उनको पूछा कि आप जब कैबिनेट सेक्रेटरी थे तो कभी तो बहस होती होगी मंत्रिमंडल में, सरकार बात करती होगी गरीबी के बारे में, भुखमरी के बारे में, तो कुछ तो अंदाजा आता होगा आपको, क्या स्टेटिस्टिक्स हैं। तब वो मुझे कहते थे कि राजीव भाई औसतन हमें ऐसा मानते हैं कि एक बरस में हिंदुस्तान में लगभग 2 लाख लोग मर जाते हैं भूख से या अत्यंत गरीबी से, हर बरस 2 लाख लोग मर जाते हैं। अब ये भारत देश जिसमें हम रहते हैं, जिसको हम चारों तरफ से देखते हैं, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इस देश में गरीबी और भुखमरी से कोई मरना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अन्न का उत्पादन कम नहीं है, अन्न का उत्पादन भरपूर है अपने देश में। इस वर्ष तो हमारे देश में 21 कोटी टन अनाज पैदा हुआ है, जरूरत हमारी 15 कोटी टन की है, उससे भी 6 कोटी टन ज्यादा है, तो अनाज का उत्पादन भरपूर है इस देश में। अगर कोई मुझे ये कहे कि चूंकि अन्न उत्पादन कम होता है इसलिए लोग भूख से मरते हैं, तो मैं उस बात को मानने को तैयार नहीं। अनाज तो हमारे देश में सड़ रहा है, गोडाउन्स में पड़ा हुआ है। मैं अभी मुश्किल से महीने भर पहले इधर गया था हरियाणा पंजाब की तरफ, अगस्त के पहले सप्ताह में पंजाब हरियाणा का मैंने दौरा किया, तो मैंने मेरी आंखों से देखा गांव के गांव में गेहूं के ढेर लगे हुए हैं, बोरे पर बोरे हैं, और बारिश में भीग रहे हैं पूरे के पूरे, कोई उनको सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वालों से पूछो कि भाई ये क्या होता, तो उन्होंने कहा हमारे पास जगह नहीं, हम कहां रखें इनको, जरूरत से ज्यादा पैदा हो गया है। तो गेहूं सड़ रहा है, चावल सड़ रहा है, दालें सड़ रही हैं, सब सड़ रहा है, लेकिन गरीब आदमी को खाने को नहीं मिल रहा। भारत में अन्न उत्पन्न अगर कम होता और हम भूख से मर रहे होते तो बात समझ में आती। जब हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू
हमारे प्रधानमंत्री थे तो उस समय अन्न का उत्पादन बहुत कम था, तो हमें अमेरिका से गेहूं खरीदना पड़ता था। PL480 नाम की एक योजना चलती थी, PL480, जिसमें लाल रंग का गेहूं आता था। आप में से बहुत सारे वडिल लोग यहां बैठे हैं, बहुत सीनियर सिटीजन, उनको याद होगा। तब हमारे देश में भुखमरी से लोग मरते थे, तो वो तो बात समझ में आती है क्योंकि अन्न उत्पन्न ही नहीं था। अभी तो इतना है कि हमारी जरूरत से ज्यादा, और जरूरत से कोई 1-2 कोटी टन ज्यादा नहीं, 6 कोटी टन ज्यादा, फिर भी लोग भूख से मरते हैं। इसका मायने हमारे अन्न उत्पादन में कमी नहीं है, हमारी सरकारी व्यवस्था में कहीं कोई कमी है। क्योंकि काश्तकार तो पैदा करके दे रहा है, काश्तकार कहीं भी उत्पन्न को कम नहीं होने दे रहा। हालांकि इस देश में सबसे ज्यादा पीड़ित और दुखी काश्तकार ही है। अगर काश्तकार के दुखों का आप लिस्ट बनाना शुरू करो तो उस पर एक भागवत पुराण लिखा जा सकता है, इतने दुख है उसके जीवन। तो इतने सारे दुखों को झेलते हुए भी काश्तकार अपने देश में अन्न उत्पादन में कमी नहीं आने देता, ये उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की बात है। हम सबको सलाम करना चाहिए इस देश के काश्तकारों को, उनका वंदन करना चाहिए कि भयंकर दुख तकलीफ झेलते हुए भी वो अन्न उत्पन्न कम नहीं होने दे रहे। लेकिन सरकारें हमारी निकम्मी हैं, जो उस काश्तकार के पैदा हुए अन्न को गरीबों तक पहुंचा नहीं पा रहे। ये सरकार का निकम्मापन है, नेताओं का निकम्मापन है, हमारी व्यवस्था में कहीं कोई खोट है, उसमें कोई बहुत बड़ी खामी है। उसी दृष्टि से मैंने कुछ अध्ययन करना शुरू किया कि अपने देश की परिस्थिति और व्यवस्था दोनों का एक विश्लेषण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि परिस्थिति क्या है, वो मैंने आपके सामने रखी। अब ये परिस्थिति जो पैदा हुई है, भयंकर गरीबी, भयंकर बेकारी, भयंकर भुखमरी, भयंकर मारामारी की, इस परिस्थिति के बारे में पूरे देश में बहस हो रही है, संसद में भी बहस होती है। बड़े बड़े पुढ़ारी हैं, भाषण देते हैं गरीबी के बारे में, बेकारी के बारे में, विधानसभाओं में भी बहस होती है। कभी कभी इसके लिए बड़े सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, सिंपोजियम्स होते हैं, मेरे जैसे लोग भी कभी कभी जाते हैं उसमें। तो अभी थोड़े दिन पूर्व दिल्ली में ऐसा ही एक सेमिनार हुआ था, और दिल्ली में एक सेमिनार ऐसा हुआ जिसमें विषय ये था कि भारत में भयंकर गरीबी क्यों, ये विषय था उस सेमिनार। मुझे बहुत खुशी हुई कि उस सेमिनार में 5 भूतपूर्व पंत प्रधान आए थे, एक साथ सब उपस्थित थे। तो मुझे लगा कि सेमिनार बहुत सीरियस है, क्योंकि 5 भूतपूर्व पंत प्रधान एक साथ आ जाएं, ये तो बहुत ही अनहोनी घटना है। जो साथ बैठ नहीं सकते वो सेमिनार में साथ आ जाएं, तो मुझे तो बहुत हैरानी हुई। मैंने कहा फिर भी चलो ठीक है। 5 भूतपूर्व पंत प्रधान कौन कौन से थे? पीवी नरसिम्हा राव थे उसमें, चंद्रशेखर थे, बीपी सिंह थे, एचडी देवेगौड़ा थे, और इंद्र कुमार गुजराल थे। ये पांचों के पांच, और उनके अलावा बहुत बड़े बड़े पुढ़ारी वहां पर बैठे थे, बहुत बड़े बड़े नेता। सबके नाम लेना मुश्किल है क्योंकि समय जाएगा। जब वो बहस शुरू हुई सेमिनार में, तो हर एक पुढ़ारी को व्याख्यान देने का समय था, किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट। जब मैं सुन रहा था सभी के व्याख्यान, हर एक पुढ़ारी आता था और अपनी बात शुरू करता था, तो एक ही बात कहता था कि भारत में गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है, तो उसका कारण क्या है? तो वो कहता था लोक संख्या बाढ़, ये उसका कारण है। हर एक पुढ़ारी एक बात का समाधान करता था कि अपनी लोक संख्या बाढ़ है, इसलिए गरीबी है, इसलिए भुखमरी, इसलिए बेकारी। मैं सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। जब मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि हर एक पुढ़ारी एक ही समाधान बता रहा है, लोक संख्या बाढ़। लोग फिर पुढ़ारी क्या बोलते हैं कि सख्ती से लोक संख्या कम होनी चाहिए, जबरदस्ती सबकी नसबंदी करा देनी चाहिए, सबको तो ऐसे कर देना चाहिए वैसे, ये सब वो समाधान प्रस्तुत करते थे। तब मुझे बहुत गुस्सा आया, और मेरा फिर बाद में नंबर आया। तो नंबर जब आया तो मैंने सभी पुढ़ारियों को कहा कि आप सब मानते हैं कि लोक संख्या बाढ़ से देश की गरीबी और भुखमरी का संबंध है। मैं आपके सामने ये खड़ा होकर कहना चाहता हूं कि लोक संख्या बाढ़ से गरीबी बेकारी का कोई संबंध नहीं। तो वो कहने लगे कैसे? मैंने कहा अभी आप मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दे दो, फिर आप मुझे बताना। तो उन्होंने कहा आप प्रश्न करिए। तो मैंने पुढ़ारियों से सबसे पहला प्रश्न किया कि अपनी लोक संख्या बाढ़ कितनी? तो 1947 में आजाद हुए हम 15 अगस्त को, तब लोक संख्या 34 कोटी थी, अब लोक संख्या 101 कोटी है। तो 34 कोटी की लोक संख्या अगर 101 कोटी होती है तो लोक संख्या बाढ़ 3 times हुआ ना, क्या 3 गुना हुआ, 3 times हुआ। फिर मैंने कहा कि अब लोक संख्या 3 times जब बढ़ी है तो गरीबी कितनी बढ़नी चाहिए? 3 times। बेकारी कितनी बढ़नी चाहिए? 3 times। माने जितनी लोक संख्या बाढ़ हुई उतनी तो गरीबी बेकारी बढ़नी चाहिए।
तो मैंने उन्हीं पुढ़ारियों से पूछा, रिजर्व बैंक के आंकड़े मेरे पास थे, मैं सब फैक्ट्स एंड फिगर लेके गया था, उसमें काफी डॉक्यूमेंट्स लेके गया था, तो मेरे पास सब रखे हुए थे। मैंने एक फाइल निकाल के उनको दिखाया कि देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 1947 में भारत में गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग रहते थे, जो बहुत गरीब माने जाते हैं, उनकी लोक संख्या 4 करोड़ थी। 4 करोड़। अब सरकार का सेंसस ये कहता है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या हो गई है 45 करोड़। तो गरीबी कितने पट बढ़ गई? 11 पट लगभग हुई कि नहीं? 4 करोड़ से 44 करोड़ हो तो 11 पट, और 45 हुई तो 11 पट से थोड़ा और ज्यादा, 11 times हमारी गरीबी बढ़ी। लोक संख्या बढ़ी 3 पट, गरीबी बढ़ी 11 पट। तो क्या संबंध है भाई, बताओ? आप ऐसा कहते हो, दुनिया में एक अर्थशास्त्री हुआ था यूरोप में, उसका नाम था माल्थस। माल्थस नाम का इकोनॉमिस्ट था, उसकी एक थ्योरी है, उसकी एक सिद्धांत है, वो थ्योरी हमारे देश के अर्थशास्त्रियों ने रट ली है। जैसे पोपट होता है ना, तोता, वो रट लेता, तो वैसे ही अपने पुढ़ारियों ने रट लिया। माल्थस ने एक सिद्धांत दिया कि जो देश में लोक संख्या बाढ़ होगी, वही देश में गरीबी, वही देश में भुखमरी, वही देश में मारामारी होगी। ये माल्थस कहता था। तो हमारे पुढ़ारी कहते हैं माल्थस कहता था, तो मैंने कहा माल्थस को कुएं में फेंको। अगर माल्थस ये कहता था तो सच्चाई कहां है उसके जैसी? माल्थस कहता था कि गरीबी बढ़ने से भुखमरी बढ़ती है, गरीबी बढ़ने से बेकारी बढ़ती है, और लोक संख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है। तो आप देख लो, लोक संख्या 3 पट बढ़ रही है, गरीबी तो 11 पट बढ़ रही है। अगर माल्थस का सिद्धांत लागू करें तो जितनी गरीबी बढ़ रही है उतनी ही लोक संख्या बाढ़ होनी चाहिए, लोक संख्या बाढ़ 3 पट तो गरीबी 3 पट होनी चाहिए। तो आज देश में सिर्फ 12 करोड़ लोग गरीब होने चाहिए, अब तो 45 करोड़। तो पुढ़ारी सब चुप हो गए। फिर मैंने उनको एक दूसरा प्रश्न किया, मैंने कहा दूसरे प्रश्न का जवाब दो। तो कहने लगे दूसरा प्रश्न आपका क्या? मैंने कहा दूसरा प्रश्न यह है कि आप बोलते हो कि लोक संख्या बढ़ते ही बेकारी बढ़ती है, तो 1947 में हमारी लोक संख्या 34 करोड़ थी, तो बेरोजगार लोगों की संख्या 2 करोड़ थी। आज हमारी लोक संख्या 101 करोड़ है, तो बेकारों की संख्या 20 करोड़ है। तो लोक संख्या तो 3 पट बढ़ी है, बेकारी तो 10 पट बढ़ गई। तो इसका क्या संबंध है आप बता दो मुझे। तो कोई बोला नहीं, सब चुप होके बैठ गए। फिर मैंने कहा कि मैं बताऊं, तो उन्होंने कहा आप बताओ क्या कारण है फिर गरीबी बेकारी बढ़ने। मैंने कहा गरीबी और बेकारी बढ़ने का कारण आप सब लोग हैं जो यहां गए। कहने लगे आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मैं सही कह रहा हूं, अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो आप बैठिए, मैं आपको बताता हूं कि आप गरीबी बेकारी बढ़ने का कारण कैसे हैं। तो कहने लगे कैसे? मैंने कहा देखिए ऐसा है, आप मुझे ये बताइए, पिछले 54 वर्षों में 1947 से 2001, करीब 54-55 ईयर्स हो गए हमको, आपने कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई? तो पुढ़ारी बोलने लगे 9 पंचवर्षीय योजना बनी, पहली पंचवर्षीय योजना 1952 में। तो मैंने कहा पंचवर्षीय योजना आपने किसके लिए बनाई? कहने लगे गरीबी दूर करने के लिए, बेकारी दूर करने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा दूर हो गई क्या? कि नहीं हुई। तो जैसे जैसे पंचवर्षीय योजनाएं बनती गई, गरीबी बढ़ती गई, बेकारी बढ़ती गई। और फिर मैंने उन्हीं पुढ़ारियों में से एक को पूछा कि आपने पंचवर्षीय योजना में पैसा कितना खर्च किया? तो कहने लगे राजीव भाई एक पंचवर्षीय योजना में 10 लाख करोड़ खर्च हो जाता, 10 लाख करोड़ एक पंचवर्षीय योजना। तो मैंने कहा 9 पंचवर्षीय योजनाएं आपने लागू कर दी पूरे देश में, 10वीं शुरू होने जा रही है। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारे पुढ़ारियों ने पिछले 54 वर्षों में 90 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिया है। यही तो हिसाब हुआ ना, एक पंचवर्षीय योजना में 9 लाख करोड़ खर्च होता है, तो 10 पंचवर्षीय योजनाओं में 90 लाख करोड़ हुआ कि लगभग 90-100 लाख करोड़। तो मैंने उनको कहा कि आपने 90 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिया 9 पंचवर्षीय, 10वीं बनने जा रही है उसमें और आप 9 लाख करोड़ खर्च करोगे, तो 99 लाख करोड़ तो मान लो कि खर्च हो गया। और आप कहते हो गरीबी खत्म नहीं होती, बेकारी खत्म नहीं होती, तो ये पैसा गया कहां से? आप तो कहते हो खर्च कर दिया, और दिखता है नहीं कि गरीबी दूर हुई बेकारी दूर। अब मैंने उनको कहा, सब पुढ़ारियों को, जिसका वो जवाब नहीं दे रहे थे मुझे, मैंने उनको कहा कि अगर आपने ईमानदारी से ये जो 90 लाख करोड़ रुपए पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च किया,
गरीबी दूर करने के लिए आपने इतना ही किया होता कि ये रुपया सीधे लोगों को दे दिया होता तो जरूर इस देश की गरीबी दूर हो जाती। तो कहने लगे कैसे? मैंने कहा हिसाब समझ लो, पूरी लोक संख्या 100 कोटी है और खर्चा हुआ है हमारे ऊपर 90 लाख कोटी, तो हिसाब जानते हैं क्या निकलता? एक एक व्यक्ति को 9 लाख रुपए मिल जाता। 9 लाख! अब एक व्यक्ति को हम 9 लाख रुपए दे सकते थे जितना अभी तक विकास हुआ। अच्छा, और ये एक व्यक्ति बोल रहा हूं, मैं एक परिवार नहीं बोल रहा हूं, अभी तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक व्यक्ति को हम 9 लाख रुपए दे देते तो एक परिवार को कम से कम 35 लाख रुपए तो दे ही देते। एक परिवार में 5 लोग हैं, मान लो 100 कोटी में तो सब है ना, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े हैं सब। तो मैंने कहा उनको कि अगर आप ईमानदारी से ये पंचवर्षीय योजना नहीं बनाते और ये सारा पैसा देश के लोगों को सीधे दे देते तो एक एक परिवार को 35 लाख रुपए मिल जाता तो हम कम से कम लखपति तो होते ही सबके सब। होते कि नहीं होते? और अगर 35 लाख रुपए एक परिवार के पास होता तो कुछ धंधा तो कर सकता था, कुछ नहीं करता, मान लो टैक्सी चलाता, कल्पना करो, तो 5 लाख रुपए में एक टैक्सी तो आती ही है ना। अर्माडा ले लो या कुछ भी ले लो, महिंद्रा की ले लो या किसी टाटा सुमो ले लो, 5 लाख की एक आती है। तो हर एक परिवार के पास 5-5 गाड़ियां होती कम से कम, और हर एक के पास 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट होता। 5 गाड़ियों के ऊपर 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट, और 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट 10% ब्याज भी मिले बरस का, तो आप सोचो उसके ब्याज से ही हमारा घर खर्च चल रहा होता, हमें तो भुखमरी बेकारी होती नहीं। अगर हम ऐसा भी करते कि मान लो टैक्सी ही नहीं खरीदते, 35-35 लाख हमने दिया लोगों को, लोग उसको बैंक में FD कर देते तो हर एक परिवार को साल में 3-3.5 लाख रुपए ब्याज का मिलता। साल में 3.5 लाख रुपए तो महीने में कितना, कम से कम 30,000 तो बैठेगा ही, तो महीने में 30,000 रुपए की आमदनी दर एक फैमिली की होती, चाहे वो खाकपति, चाहे रोडपति, चाहे करोड़पति। तो हर एक आदमी को महीने में 30,000 रुपए की आमदनी होती तो वो भैंस का घास खा के मरता या भैंस का मांस खा के मरता? ये कैसे हो गया? तब वो सब पुढ़ारी शांत हुए, फिर कहने लगे कि आपकी बात कुछ तो समझ में आ रही है। मैंने कहा अगर आप थोड़े और ईमानदारी से समझने की कोशिश करें तो मैं आगे भी आपको समझा सकता हूं। तो कहने लगे क्या करें? मैंने कहा आप ये सब सरकार चलाना बंद कर दो, सब बंद कर दो। तो कहने लगे फिर क्या होगा? मैंने कहा मैं उसका रास्ता बताता हूं, आप सरकार बंद कर दो, फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट सब बंद करो, प्लानिंग कमीशन बंद कर दो, सब बंद कर दो, बजट बजट सब बंद कर दो, क्योंकि आपने सिद्ध कर दिया 54 साल हमने आपको समय दिया, आपने पूरे पैसे को पता नहीं कहां खड्डे में डाला। आप बोलते हो कि 90 लाख कोटी हमने खर्च किया लेकिन वो हुआ ही नहीं, गरीबी तो दूर नहीं हुई, बेकारी दूर नहीं। तब मैंने उनको कहा कि आपको याद है आप जो लोग हैं इन्हीं में से एक व्यक्ति थे भूतपूर्व प्रधान, पंत प्रधान, उनका नाम था श्री राजीव गांधी। तो मैंने कहा वो आप में से थोड़े बेहतर थे। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा वो थोड़े स्पष्ट वक्ता थे, बोल देते थे जो मन में था। तो एक दिन उन्होंने लोकसभा में कह दिया कि मैं दिल्ली से 1 रुपया जब काश्तकार को भेजता हूं तो नीचे 15 पैसा पहुंचता। इसका अर्थ यह है कि दिल्ली से काश्तकार के बीच की व्यवस्था में कहीं तो छेद है, पहुंचते नहीं उसके पास। अच्छा, ये बात राजीव गांधी ने कही थी 1989 में, तब घोटाले बहुत कम होते थे, भ्रष्टाचार कम होता था। अब मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली से शायद वो 1 रुपए भेजते होंगे तो काश्तकार तक 5 पैसा भी नहीं पहुंचता होगा। तो ये जाता कहां है सब? आप तो दिल्ली से भेज रहे हो, पंचवर्षीय योजना बना रहे हो, बजट चला रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए उसमें खर्च हो रहा है, लेकिन होता तो कुछ नहीं है। गांव में असलियत तो कुछ और है, पीने को पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, चलने को सड़क नहीं, दवा नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो कुछ परिस्थिति तो विपरीत है। आप तो कहते हो हम तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और ये सब पुढ़ारी लोग जब सरकार चलाते हैं तो हमसे टैक्स लेते हैं, क्या बोल करके हम देश का विकास करेंगे। तो आप टैक्स देते हैं, मैं भी टैक्स देता हूं, कितना टैक्स देते हैं? यहां बैठा हुआ हर एक नागरिक 5,000 रुपए टैक्स देता बरस में एवरेज,
हो सकता है आप में से तो लाखों रुपए टैक्स देने वाले भी होंगे, लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत लोग इनकम टैक्स देते होंगे तो लाखों रुपए जाता होगा, लेकिन कोई आदमी तो शायद नहीं दे पाता। तो मैं एक एवरेज बता रहा हूं, पूरे देश में 100 करोड़ की लोकसंख्या है और सरकार का जो टोटल टैक्स कलेक्शन है एक बरस का वो 5 लाख करोड़ का है, जिसमें 2 लाख करोड़ केंद्र का है, 3 लाख करोड़ राज्य सरकारों का। तो हर एक व्यक्ति औसतन 5,000 रुपए टैक्स देता है बरस में। तो हम सब जो 5,000 रुपए बरस में टैक्स देते हैं, अब आप जरा अकोला के बारे में कल्पना करो, अकोला की लोकसंख्या कितनी है? 4 लाख, और हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है 5,000, तो 4 लाख में 5,000 का गुणा कर लो। नहीं नहीं 2 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, 20 करोड़ या 200 करोड़, 4 लाख में 5,000 का गुणा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6 बिंदी, तो वो फिर 10 लाख करोड़, 10 करोड़ और फिर और 200 करोड़। अब आप जरा सोचो, आप सब अकोला वाले मिलकर 200 करोड़ रुपए का टैक्स भर रहे हो एक बरस में। अच्छा, आप में इतनी अकल नहीं है क्या कि ये 200 करोड़ का जो टैक्स हम भर रहे हैं इसको अपने ही अकोला में रोक लें और इससे पूरे अकोला की व्यवस्था को सुधार लें? ये संभव नहीं है क्या? अच्छा, और आप जरा कल्पना करो कि जितना टैक्स में आप हर बरस भरते हो उसका देना बंद कर दो पुढ़ारियों, मान लो टैक्स देना बंद कर दो, और ये मैं खुलेआम बोलता हूं चैलेंज देकर कि एक समय आएगा कि आपको टैक्स देना बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सब हरामखोर आपका पैसा खाते ही रहेंगे। तो आप टैक्स देना बंद कर दो और ऐसा करो, अकोला में एक समिति बना लो, सब लोग मिलकर उस समिति में कुछ व्यवस्था कर लें, एक्स वाई जेड किसी भी व्यक्ति को जिनको आप अच्छा मानते हो रख लो, उसमें पुढ़ारियों का प्रवेश वर्जित है, बाकी सबके लिए खुली छूट। तो वो समिति बन जाए और 200 कोटी रुपए हर बरस अगर आपके पास आए तो क्या आप 200 कोटी रुपए में अकोला में पीने का पानी नहीं दे पाएंगे? आप बताओ, चलने को सड़क नहीं दे पाएंगे, खाने को रोटी नहीं दे पाएंगे? मैं तो अकोला के हिसाब से बोलता हूं कि 200 कोटी रुपए दर वर्ष अगर आप ले भी लोगे तो अकोला की संपूर्ण व्यवस्था को चलाने में मुश्किल से मुश्किल 50 कोटी का खर्च आएगा, 150 कोटी हर साल बैलेंस रहेगा जो सरप्लस होगा, आप तो अकोला के साथ 10 और जिले की व्यवस्था चला सकते। तो ये बात मैंने पुढ़ारियों को कही कि आप देश के ऊपर रहम करो महाराज, आप पधार जाओ इस देश में से, कहीं दुनिया में जगह मिले वहां चले जाओ, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो, हम हमारा टैक्स इकट्ठा करके अपने शहर की व्यवस्था चला सकते हैं, क्या मुश्किल है इसमें? अच्छा आप बताओ, हम घर चलाते हैं तो शहर नहीं चला सकते क्या? जो लोग घर चला सकते हैं, परिवार चला सकते हैं, वो मोहल्ला चला सकते हैं, और जो मोहल्ला चला सकते हैं वो एक वार्ड को चला सकते हैं, और वार्ड चला लिया तो 50 वार्ड को चला लेंगे तो शहर भी चल जाएगा, पुढ़ारियों की जरूरत क्या आपने? ये पार्टियों के लोग आते हैं वोट मांग के ले जाते हैं, करते वही हैं जो पुरानी पार्टी करती है, नया तो कुछ करते वरते नहीं, जैसे पुरानी पार्टी करती थी वैसे नई पार्टियां करती हैं, तो अब हम करें क्या? तो मैंने उन सब के सामने कहा कि आप लोग अगर थोड़ा इस देश पर दया कर दो तो देश की गरीबी भुखमरी बेकारी सब दूर हो जाएगी। तो कहने लगे कैसे दूर हो जाएगी? मैंने उनको समझाया, उनके सामने मैंने उनको कहा कि आप लोग जो सरकार चलाते हैं उनका खर्च क्या है सरकार चलाने का? तो हमारे देश में पुढ़ारी नंबर 1 जिनको हम राष्ट्रपति कहते हैं, आप जानते हैं उनका एक बरस का खर्च 18 करोड़ रुपए का, एक बरस का 18 करोड़ रुपए जो हम देते हैं उनको, कहां से देते हैं? टैक्स के पैसे में से। तो 18 करोड़ रुपए पुढ़ारी नंबर 1 राष्ट्रपति का खर्च, तो एक बरस का 18 करोड़, तो महीने का 1.5 करोड़, तो दिवस का 5 लाख रुपए, एक दिवस का राष्ट्रपति का खर्च 5 लाख रुपए, और एक दिवस में भारत में 5 करोड़ लोग हैं जिनके पास 50 पैसा नहीं खर्च करने। हमारे देश की सरकार के आंकड़ों के अनुसार 25 करोड़ लोगों को दिवस में खर्च करने को 5 रुपया नहीं है, 10 करोड़ के पास दिवस में 1 रुपया नहीं है, 5 करोड़ के पास तो 50 पैसा नहीं। इसका मायने यह है कि 45 करोड़ों के पास एक एवरेज के हिसाब से 6.5 रुपए दिवस का नहीं है खर्च करने, अगर मैं तीनों को ऐड करके बोलूं तो ऑन एन एवरेज।
तो हमारे देश में 45 कोटि लोगों को दिवस में 5 रुपए नहीं है खर्च करने के लिए, और राष्ट्रपति नाम के पुढ़ारी को दिवस में 5 लाख रुपए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपने राष्ट्रपति को बनाया है कि राष्ट्रपति ने आपको बनाया? आपने बनाया ना, तो मालिक आप हैं या वो? तो राष्ट्रपति कौन है? नौकर। आपने दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था देखी है जहां मालिक भूखा मरे और नौकर मजा करे? आप बताओ, दुनिया में कहीं आपने ऐसी व्यवस्था देखी कि मालिक तो भूखा मरे और नौकर मजा करे? आप अपने व्यापार में ऐसे किसी नौकर को रखेंगे? आप दुकान चलाते हैं, दुकान में ऐसा नौकर रखेंगे कभी कि नौकर मलाई खाए और मालिक भूखा मर जाए? तो जो देश का मालिक है, जिसको हम वोटर कहते हैं, देश का नागरिक कहते हैं, जो टैक्स देता है, लेजिटिमेट सिटीजन है, नेचुरल बॉर्न सिटीजन है, वो भूखा मर रहा है और हमारे देश के पुढ़ारियों की पगार पे एक एक व्यक्ति पर 18 कोटि रुपए खर्च हो रहा है। फिर राष्ट्रपति की पगार तो 18 कोटि, उनके नीचे उपराष्ट्रपति, उनकी पगार का खर्च एक बरस का 13 कोटि। एक बार मैंने ये भी माहिती लेने की कोशिश की कि ये लोग काम क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? आप पूछो क्या काम करते हैं उनसे। तो राष्ट्रपति का काम है कि लोकसभा से कोई फाइल जाती है उस पर सही करना। तो कितने दिन फाइल जाती है? बरस में 1 महीना बस। क्यों? बाकी दिन लोकसभा चलती ही नहीं, और चलती भी है तो वहां दंगल होता। लोकसभा तो अखाड़े से भी ज्यादा बुरी हो गई, क्योंकि अखाड़े में भी जो दंगल होता उसके नियम कायदे कानून, वहां तो कुछ नियम ही नहीं है, कायदे ही नहीं, कानून ही नहीं। कोई किसी की पेंट उतार रहा है, कोई किसी की खींच रहा है, कोई किसी की खींच रहा है, यही लगा रहता है लोकसभा। और कभी कभी तो ऐसी हालत होती है लोकसभा की कि वो बेचारा जो अपना अध्यक्ष है वो ठक 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 पीटता रहता, कोई किसी की सुनता ही नहीं, लगे जिंदाबाद मुर्दाबाद, ऐसे जैसे गली के चौराहे पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं वो सदन के अंदर। और जब राष्ट्रपति या सॉरी लोकसभा अध्यक्ष बहुत परेशान हो जाता है तो सदन को स्थगित कर देता। तो वो यही तो चाहते हैं कि सदन स्थगित होता रहे और पगार उनको बढ़ती रहे। तो सदन स्थगित हो जाता, फिर काम ही नहीं होता, और ऐसे दिवस लोकसभा में बहुत बर्बाद होते हैं। भारत देश के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जिनका नाम है पीए संगमा, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक पुस्तक छोटी सी लिखी है, उसमें कहा है कि आज से 50 बरस पहले लोकसभा में जितना काम होता था आज उसका 10% भी नहीं होता, 10% काम नहीं है लोकसभा। तो चूंकि लोकसभा में काम नहीं है तो राष्ट्रपति को काम नहीं, लोकसभा काम करे तो राष्ट्रपति को काम हो, लोकसभा काम ही नहीं करती तो राष्ट्रपति को काम, और काम होता भी है तो सिर्फ सही करने। तो सही करने का काम करने के लिए हमने एक नौकर रखा है, उसको 5 लाख रुपए दिवस की हम पगार देते हैं। क्या विचित्र देश है ये। और हिंदुस्तान में जो मालिक है इस देश का, काश्तकार, मजदूर, अध्यापक, विद्यार्थी, आप, मैं, हम सब, जो रोज 8-8 घंटे मेहनत करें, 10-10 घंटे खेती में मेहनत करें, उनको 40 रुपए नहीं मिलता, 50 रुपए नहीं मिलता, 60 रुपए नहीं मिलता। बेचारे 10-10, 15-15 रुपए पे काम करने को तैयार है। कल मैं उरन नाम के गांव में गया, वहां मेरे एक परिचित मित्र हैं निमाड़े से, मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा राजीव भाई हमारे गांव की तो परिस्थिति ऐसी है कि बहनें महिलाएं पूरे दिवस खेत में काम करें तो भी 25 रुपए नहीं मिलता उनको। तो हमारे देश का काश्तकार दिवस भर खेती में काम करे, मर जाए तो उसकी पीठ टूट जाए, क्योंकि जब वो खेती करता है, धान की खेती करे तो उसकी पीठ टूट जाती है, झुके 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 धान की रोपाई करनी पड़ती है, वो काश्तकार को दिवस में 25 रुपए भी न मिले, और राष्ट्रपति को सिर्फ सही करने के लिए दिवस का 5 लाख रुपए खर्च। ये व्यवस्था अपने देश में। और राष्ट्रपति महोदय जिस घर में रहते हैं वो घर कैसा, 350 कमरे एक घर में, शिवाजी महाराज का महल भी नहीं था ऐसा, तो 350, किसी राजा का महल नहीं था 350 का, राष्ट्रपति के महल में 350 कमरे। मैंने एक दिन उनको कहा, मेरे कुछ मित्रों को जो पुढ़ारी हैं, कि राष्ट्रपति 2 पति-पत्नी हैं बस, एक पति और एक पत्नी, और तो कोई है नहीं घर में, तो ये 2 लोग 350 कमरे में रहते कैसे हैं, आप मुझे जरा ये समझो कैसे रहते, कुछ हिसाब ही नहीं बैठता उसका। मैंने एक दिन ये सोचा
कि वो एक दिवस या एक रात एक कमरे में सोएं, दूसरे दिवस दूसरे कमरे में सोएं, तीसरे दिवस तीसरे कमरे में सोएं, तो भी एक बरस के बाद पहले कमरे का नंबर आएगा, एक बरस के बाद, क्योंकि एक बरस में दिन 365, 15 दिवस छुट्टी के निकाल दो। हालांकि राष्ट्रपति की छुट्टी उससे ज्यादा है, 3 महीने की छुट्टी है उनकी, तो मैं तो 15 दिवस ही की बात करता हूं, तो 15 दिवस छुट्टी के निकाल दो, हर दिवस वो एक कमरे में सोए, तो भी 350 कमरे का हिसाब कुछ समझ में नहीं आता। वो रहते हैं उतने बड़े घर में, हो सकता है राष्ट्रपति बनने के पहले उनके पास 2 ही कमरे का घर हो, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद, माने हमारा नौकर बनने के बाद, उनको आलीशान महल मिलेगा। जब वो हमारे जैसे हैं तब वो 2 ही कमरे के घर में रहेंगे, लेकिन जब हमारे नौकर बन के सही करने के लिए बैठेंगे तो उनको 350 कमरे का घर मिलेगा। ये व्यवस्था अपने देश में। अब वो जो 350 कमरे का घर है उसकी सफाई होती है, तो उसमें तो 400 से ज्यादा तो कर्मचारी है झाड़ू लगाने वाले, फिर पीछे से पोछा लगाने वाले, दिवस भर उसमें सफाई चलती रहती, दिवस भर। मैं तो कई बार गया हूं वहां, और फिर वहां पे रसोई है, डॉक्टर है, 20 डॉक्टर, 20। अब पता नहीं कैसे इलाज होगा। एक डॉक्टर हो तो कुछ समझता भी है भाई, उसको क्या बीमारी है क्या नहीं। अब 20 डॉक्टर एक साथ खड़े हो गए और राष्ट्रपति एक बीमार, कैसे इलाज करेंगे, कुछ मुझे तो नहीं समझ। वो एक डॉक्टर एक डायग्नोसिस करेगा, दूसरा दूसरी करेगा, तीसरा तीसरी करेगा, पता नहीं कैसे इलाज। अभी हिंदुस्तान की परिस्थिति यह है कि गांव में 2-2 लाख लोगों के मरीजों पर एक डॉक्टर नहीं, और राष्ट्रपति के ऊपर 20 डॉक्टर, और जब वो चलते हैं तो 25-30 कारें उनके साथ चलती, 25-30 कम से कम। एक बार मैंने किसी को पूछा कि भाई इतनी कार क्यों चलती है, एक कार काफी है उनके लिए। तो उन्होंने कहा हम इसलिए 25-30 कार चलाते हैं कि उनके ऊपर कोई अतिरेकी हमला ना करे। तो मैंने कहा आप इसकी क्या गारंटी लेते हैं, तो उन्होंने कहा हम ऐसी गारंटी लेते हैं कि राष्ट्रपति किस कार में ये पता ही नहीं चलता। तो एक ही कार में वो बैठते हैं, बाकी सब खाली होती, सिर्फ ड्राइवर रहता, आगे पीछे लाइन से चलती है, एक में वो बैठते हैं बाकी खाली चलती है। तो वो जब चलती हैं तो उनके डीजल पेट्रोल का खर्च वो अलग से है, तो कुछ समझता नहीं अपने को, तो ये क्या चलता अपने। फिर उपराष्ट्रपति है, उनको तो बरस का खर्च 13 कोटी का, उनका तो कुछ भी काम नहीं, राष्ट्रपति तो भी सही करते हैं, उपराष्ट्रपति का तो वो भी काम नहीं। एक बार मैंने किसी को पूछा ये उपराष्ट्रपति क्यों बनाए आपने, काम तो कुछ है नहीं, तो वो कहते हैं कि राजीव भाई राष्ट्रपति मर गए तो। अब मैंने उनसे पूछा कि मर गए तो, मरे तो नहीं अभी तक, पिछले 50 वर्षों में ऐसा कभी हुआ नहीं कि राष्ट्रपति मरे और उपराष्ट्रपति को काम आया, वो होता ही नहीं है, तो अगले 100 वर्ष भी नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। लेकिन पोस्ट बराबर चालू और खर्चा उनका बराबर, तो उनका खर्च है। फिर उपराष्ट्रपति के नीचे पंत प्रधान, उनका बरस का खर्च 11 कोटि का। फिर उसके नीचे मंत्री, 73 मंत्री हैं, 73 मंत्रियों में 36 मंत्री हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। हाँ, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, एक अंदर की बात बताता हूं, सरकार के अंदर जो 36 मंत्री हैं उन्होंने अभी एक एसोसिएशन बनाया, संगठन बनाया सरकार के अंदर। सरकार के अंदर आप समझते हैं संगठन बनता है वहां भी। उन्होंने क्यों बनाया, तो एक मंत्री को मैंने पूछा भाई आपने क्यों एसोसिएशन बनाया, तो उन्होंने कहा हमने प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन दिया। तो क्या बात का, कि हमको काम दो, काम ही नहीं है हमारे। तो मैंने पूछा आप दिवस भर करते क्या है, कि बस बैठते हैं एसी में, सवेरे आते हैं शाम को घर चले जाते हैं, कुछ उसमें देखते रहते हैं टीवी वगैरह, और तो कुछ काम है नहीं। और काम क्यों नहीं है, क्योंकि पहली बार ऐसा मंत्रिमंडल बना देश में जिसके मंत्रियों की जरूरत ही कम थी। ज्यादा से ज्यादा 40-45 मंत्री बहुत होते हैं दिल्ली में, अभी तो 73 मंत्री, काम कहां से आए। लेकिन खर्चा उनका सबका मंत्रियों वाला। फिर उन मंत्रियों के नीचे मुख्यमंत्री, पूरे देश में 28 मुख्यमंत्री, दरेक मुख्यमंत्री का साल का खर्च 10 कोटी, तो 28 का 280 कोटी। फिर 28 राज्यपाल मुख्यमंत्री के ऊपर, हरेक राज्यपाल का 11-12 कोटी का खर्च, तो 300 कोटी वो। फिर राज्य सरकार में मंत्री, केंद्र के अलग राज्य के अलग, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मेरे राज्य सरकार में 90 के ऊपर 94 मंत्री इस समय, 94,
और उनमें से 18 मंत्री हैं जिनको कहते हैं मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो, बिना खाता मंत्री। खाता कहां से लाएं? लेकिन मंत्री है सर, आएगा कहां से खाता? और जो मंत्री खाता के बगैर हैं उनका एक बरस का चाय पानी का खर्च 1,36,00,000 रुपए का, चाय पानी का खर्च, खाता नहीं है लेकिन चाय पानी, शायद चाय पानी के लिए ही मंत्री। फिर एक बार मैंने किसी पुढ़ारी को पूछा यूपी में कि भाई इतना जंबो मंत्रिमंडल क्यों, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए तो बना नहीं पड़ता। तो मैंने कहा मेरे उत्तर प्रदेश में 405 आमदार होते हैं, पहले तो 425 थे, फिर जब से उत्तरांचल अलग हुआ तब से हमारे यहां 405 आमदार। तो मैंने कहा एक दिन आएगा सब आमदार को मंत्री बनाओगे, क्योंकि हर एक का वोट चाहिए मुख्यमंत्री, और सबके लिए मंत्री की गाड़ी दोगे, लाल बत्ती दोगे, हरी बत्ती दोगे, सब करोगे व्यवस्था, और उनके लिए रहने को घर फ्री है, बंगला फ्री है, बिजली फ्री है, मोबाइल फोन फ्री है। आप जानते हैं हर एक मंत्री को मोबाइल फोन फ्री है, और उनको जो मोबाइल मिला हुआ है वो रोमिंग है, ऑल इंडिया है, वो फोन करें या ना करें 8,000 रुपए महीने का तो उसका बिल है, 8,000 रुपए महीने का बिल है, वो फोन करें या ना करें, हर एक मंत्री को ऑल इंडिया मोबाइल, स्टेट में भी और सेंट्रल में। फिर उसके बाद जब वो सदन नहीं चलता, माने विधानसभा नहीं चलती, लोकसभा नहीं चलती, और अपने क्षेत्र के दौरे पर होते हैं तो वो अलाउंस अलग से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से मिलता है। फिर गाड़ियों में डीजल पेट्रोल मिलता है, केंद्र के मंत्री को बड़े आराम से बरस में 400 लीटर डीजल या पेट्रोल फ्री है, मिनिमम इतना तो है। फिर हवाई जहाज की यात्रा फ्री है, फिर रेल की यात्रा फ्री है, तो क्या क्या नहीं है उनको। एक एक घर के मंत्री को मैंने देखा 5-5 एकड़ में घर बना हुआ है, 5 एकड़, और उसमें वो भाजी करते हैं और भाजी भी बाजार में बेचते हैं, उसकी भी कमाई कर लेते हैं। आप हंसिए मत, मैं आपको सच्ची बात बोल रहा हूं। दिल्ली में कई मंत्रियों के घर में मैंने देखा वो भाजी पाला करते हैं और बाजार में बेच के उसका भी नफा लेते हैं, क्योंकि 5 एकड़ का प्लॉट है, क्या करेंगे उसमें, रह तो सकते नहीं, तो उसमें खूब करते हैं, तो उसमें से कमाई करते हैं। तो ये परिस्थिति है। फिर एक दिन मैंने क्या किया कि इसके ऊपर 800 खासदार अपने देश में, और 800 खासदार के ऊपर 4,025 आमदार पूरे देश में, हर एक खासदार का एक महीने का खर्च 1,00,000 रुपए, और ये जो पगार वाड़ हुआ ना अभी 15-20 दिवस पूर्व, 3 पट पगार वाड़ किया, तो पगार वाड़ के बाद अब खासदार का महीने का खर्च हो जाएगा 3,00,000 रुपए। अभी तक 1,00,000 रुपए महीने था, 3,00,000। अब आप देखो ये चतुराई क्या है। आप अगर अखबार पढ़ोगे तो उसमें खबर ये है कि पहले उनको पगार थी 4,000 रुपए मासिक, अब 12,000। ये तो बेसिक है, इसके ऊपर बहुत कुछ होता है, ये तो आपको मुझको मूर्ख बनाने के लिए बेसिक सैलरी है। इसके अलावा जो उनको दिया जाता है उनके डिपार्टमेंट के, उनके सेक्रेटरी के, उनके असिस्टेंट के नाम पर, उनके पूरे ऑफिस के नाम पर, फिर उनको बिजली के खर्चे के नाम पर, पानी के खर्चे के नाम पर, घर खर्चे के नाम पर, फिर हवाई जहाज की यात्रा, वो सब मैंने एक बार जोड़ा तो एक खासदार का महीने का औसतन खर्च 1,00,000 रुपए, और अब पगार वाड़ के बाद हो जाएगा 3,00,000 रुपए। अच्छा, अब 3,00,000 रुपए खासदार की पगार हो गई, माने खर्चा एक बरस का, तो भी खासदार संतुष्ट नहीं, कहते हैं अभी और बढ़ाओ इसको। हमारे देश में एक खासदार हैं, उनका नाम है राजीव शुक्ला, और राज्यसभा में अभी खासदार हुए हैं थोड़े दिवस पूर्व, तो उन्होंने अभी थोड़े दिवस पूर्व कहा कि ये 3,00,000 रुपए मासिक जो हमारा खर्चा है ये कम है। तो उसको किसी ने पूछा कितना होना चाहिए, तो उसने कहा 12,00,000 होना चाहिए कम से कम। तो फिर उनको पूछा गया भाई 12,00,000 रुपए महीने का आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जो आपको इतना मिलना चाहिए, तो उनका अमरीका में मिलता है इतना, तो अमरीका चले जाओ फिर, यहां क्यों हो हिंदुस्तान, जाओ अमरीका, हमने तो नहीं रोका है आपको, ले लो वहां का वीजा चले जाओ। और अमरीका में तो उल्टी हालत है, अभी जो गए हैं उन्हीं को पीट पीट के भगा रहे हैं अभी। तो अमरीका में 12,00,000 रुपए मासिक है, और वो तब है जब उनकी इकोनॉमी का स्केल और हमारी इकोनॉमी के स्केल में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका का एक साल का बजट हिंदुस्तान के 10 साल के बजट के बराबर है। तो जब उनका एक साल का बजट 10 साल के हमारे बजट के बराबर है, उस बजट में वो 12,00,000 रुपए महीने देते हैं। लेकिन एक माहिती मैं आपको देना चाहता हूं, वो ये,
अमरीका के किसी भी खासदार को ना तो मुफ्त में मोबाइल फोन मिलता है, ना मुफ्त में हवाई यात्रा करने को मिलती है, ना मुफ्त में रहने को घर मिलता है, ना मुफ्त की बीज मिलती है, ना मुफ्त का पानी मिलता है। उनको उतना ही टैक्स देना पड़ता है जितना दूसरे लोगों को देना पड़ता है। हमारे खासदार ये भूल जाते हैं जब ये कहते हैं। और अमरीका ही क्यों, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी खासदार को मुफ्त में मोबाइल फोन नहीं मिलता। ब्रिटेन में आप चले जाइए, ब्रिटेन में जितने भी एमपीज हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, सबको किराए के घर में रहना पड़ता है या अपने घर में रहना पड़ता है। सरकार किसी को घर नहीं देती, गाड़ी किसी को नहीं देती, भत्ता किसी को नहीं देती। हमारे ही देश में है ये व्यवस्था। तो इतनी भयंकर पगार का खर्च अपने देश का, और ये खर्चा कितना है, मैंने एक बार ये सब खर्चा जोड़ा राष्ट्रपति से लेकर और नीचे हिंदुस्तान में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर तक पगार का खर्च एक बार मैंने छोड़ा। फिर बाद में मुझे लगा कि सरपंच को भी इसमें शामिल करूं, क्योंकि अब उनको भी पगार मिलने लगी है। तो 5,76,000 सरपंच हैं पूरे देश में, तो उनका भी खर्च मैंने जोड़ा, तो एक बरस के पगार का ही खर्च 87,000 करोड़ रुपए है एक बरस का। और ये जो 87,000 करोड़ रुपए पगार के ऊपर खर्च होता है, वो हमारे देश की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। आप पूछोगे क्यों, आप सीधे से हिसाब जोड़ लो ना। अगर ये 87,000 करोड़ बरस में खर्च नहीं होता, सीधे लोगों में बांट दिया जाता, तो भी एक एक व्यक्ति को इस देश में 8,700 रुपए बड़े आराम से बरस में मिल सकता। नहीं करते, हम व्यवस्था ही नहीं चलाते ना। हमें संसद चलानी है, लोकसभा ना विधानसभा, बंद कर दो ये सब, क्योंकि आप चलाते हो हमारे लिए और हमारा ही काम होता नहीं, पगारवाड़ होती रहती। जब संसद में पगारवाड़ का विधेयक आता है, सब खासदार एक बाजू में हो जाते हैं, कोई उस दिन विपक्ष नहीं होता, सब सत्ता पक्ष में आ जाते। और पगारवाड़ का विधेयक 3 मिनट में पारित होता है, बस 3 मिनट में। और मुझे इस बार इतना खराब लगा कि इसी वर्ष हिंदुस्तान में भूख से सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं, और इसी वर्ष अपने पुढ़ारी पगारवाड़ में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा दुख की बात है अपने देश, और दुख ही नहीं, शर्म आती है मुझे मेरे देश के पुढ़ारियों को। यही देश है जिसको भारत हम कहते हैं। 50 वर्ष पूर्व इस देश में ऐसे पुढ़ारी होते थे जो देश के लिए सब कुछ दे सकते थे, घर में जो है वो भी निकाल के दे सकते। आप उन पुढ़ारियों के नाम गिन लो, लोकमान्य तिलक, हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तांत्या टोपे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, सावरकर, महात्मा गांधी, ऐसे ऐसे आप लिस्ट बनाते जाओ, एक एक पुढ़ारी का नाम लेते जाओ, चाफेकर बंधु, ये जितने भी नाम आप लेना चाहो ले सकते हो। इन सभी नाम लेने वालों के, नेताओं के चरित्र लगभग क्या थे कि वो देश के लिए कुछ भी कर सकते थे। अपना घर देना हो तो घर दे सकते थे, बच्चों को दांव पर लगाना हो तो बच्चों को दांव पर लगा सकते थे, नौकरी छोड़नी हो तो नौकरी छोड़ सकते थे, धंधा छोड़ना हो तो धंधा छोड़ सकते थे, और किया है उन्होंने। आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस तो आईसीएस में टॉपर थे, और अंग्रेजों की सरकार में आईसीएस टॉप करना कोई मजाक बात नहीं थी, हिंदुस्तानियों को तो प्रवेश नहीं मिलता, और उन्होंने अंग्रेजी लड़कों को पीछे छोड़ते हुए खुद टॉप किया था। वो बहुत बड़े पद पर नौकरी के लायक थे, लेकिन टॉपर होने के बाद भी नौकरी छोड़कर उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी, सब छोड़ दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बहुत अच्छे घर के बच्चे थे, चाहते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे, व्यापार कर सकते थे, लेकिन छोड़ दिया सब। चाफेकर बंधु भी ऐसे ही थे। हमारे देश में सावरकर की कोई कमी थी क्या योग्यता में? महात्मा गांधी की योग्यता कुछ कम थी क्या? बहुत बड़ी डिग्री थी उनके पास, बैरिस्टर थे, करोड़ों करोड़ों रुपए कमा सकते थे। लोकमान्य तिलक को देखो, लोकमान्य तिलक के पास बारेट लॉ की डिग्री थी, वो चाहते कोटिपति बन सकते थे, लेकिन इन सब ने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया, अपनी जान तक दी। पैसा तो कुछ भी नहीं होता, पैसा दान तो कोई भी कर सकता है, अपनी देह का दान करना, अपनी जान देना, अपनी कुर्बानी देना, ये तो ऊंची बात है। वो सब करने की मान्यता रखने वाले पुढ़ारी वो एक बाजू में, और आजकल के हरामखोर पुढ़ारी दूसरे बाजू में। आजकल के पुढ़ारियों को तो कहीं से मौका मिल जाए तो जोंक की तरह से चिपकते हैं, और खून जब तक अंतिम बूंद बाकी है आप में तब तक चूसते रहते हैं, ऐसे हैं सबके कहीं मौका मिल जाए। देखो आप, एक तो पगार में पैसा लेते हैं भरपूर, भत्ते मिलते हैं, वेतन मिलता भरपूर, फिर यही पुढ़ारी
रिश्वत भी लेते हैं अलग। आप छोटे से छोटा काम लेके जाओ, अकोला में कहीं पर किसी मोहल्ले में एक हैंड पाइप लगाना है, और मैं आपको चैलेंज देकर बोलता हूं आप ले जाओ कि हमें एक हैंड पाइप लगाना, बिना पैसे के आपका काम हो जाए तो आप मुझे बता देना। छोटे से छोटा काम, गली में किसी कोने पर हैंड पाइप लगाना, किसी गांव में कुआं खुदवाना, तालाब बनवाना, गांव की सड़क बनाना, जो उनका काम है, जो फर्ज है, जिसके लिए हम उनको टैक्स देते हैं, उसमें ऊपर से रिश्वत अलग से लेते हैं। और क्या है, बंटवारा है, पूरा पूरा मंत्रालय बंटवारा करता है पैसे का। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, आप अकोला में कोई एक स्कूल खोलना चाहो तो आपको जितनी रिश्वत देनी पड़ेगी उतने में शायद दो स्कूल खुल जाए। परमिशन नहीं मिलेगी, लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फिर मिल गया तो नॉन ग्रांट वाला होगा, फिर ग्रांट वाला कराने में अलग से आपको, ये सारे धंधे वो करते हैं। रिश्वत भी लेते हैं, घूस भी लेते हैं, और रिश्वत और घूस जब लेते हैं तो ये भी नहीं देखते कि ये गरीब आदमी है नहीं दे सकता, वो तो कसाई जैसे निर्दयी होते हैं। जैसे कसाई होता है ना, वो ना गाय को देखता है ना बड़द को देखता, सब पे उसका छुरा चलता है बड़ा, वैसे ही कसाईपन इनमें आ गया, गरीब से गरीब आदमी को नहीं छोड़ते। मैंने कई बार मेरी आंखों से देखा, मैं तो गांव गांव में जाता हूं, इतने इतने गरीब लोग जिनके पास बेचारों के पास खुद का कुछ नहीं है, पुढ़ारियों ने उनको भी धोखा देने में कमी नहीं छोड़ी। किसी को धोखा देते हैं, तुमको नौकरी लगवाएंगे, मुंबई आ जाओ, इतना पैसा दे दो, बेचारा कहीं से कर्ज लेके देता और मुंबई पहुंच के कुछ नहीं उसका। और अभी तो ऐसे केस पकड़े जाने लगे हैं, अभी तो कोई एक बाई पकड़ी गई है जिसका टेप है, ओरिजिनल टेप है, जिसमें उसने कहा कि तुमको शिक्षक की नौकरी मिलेगी, 35,000 रुपए ले आओ, और गारंटी देकर वो बाई बोल रही है, मैं नाम भूल गया, नहीं तो नाम लेके बताता, यही महाराष्ट्र की पुढ़ारी है, वो कहती है कि तुमको गारंटी से नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो 35,000 रुपए वापस करेंगे। और वो जिस व्यक्ति ने ये सब किया उसने टेप कर लिया, क्योंकि तहलका.com जब से हुआ है लोगों में थोड़ी होशियारी आ गई, तहलका.com ने थोड़ा होशियार तो बनाया ये लोगों को, तो उसने टेप कर लिया और ले जाके सुना दिया कि देखो इस तरह से घूस और रिश्वत छोटे छोटे कामों में, तो वो अलग से है, पगार अलग से, रिश्वत और घूस अलग से। तो मैं तो कई बार कहता हूं कि इनको पगार देने की जरूरत क्या, रिश्वत और घूस में ही इतना बना लेते हैं, इन सब की पगार तो जीरो कर देनी चाहिए, लेकिन वो है। तो रिश्वत अलग से, घूस अलग से, पगार अलग से। और अब एक आखिरी बात इनके बारे में कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा उसमें कमाई पैसे की अलग से, जैसे एक एनरॉन नाम की अमेरिकन कंपनी आई यहां महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बहुत सारे पुढ़ारियों ने कहा कि हम उसको उठाकर अरब सागर में फेंक देंगे। फिर बाद में क्या हुआ कि जो उसको अरब सागर में फेंकने वाले थे उन्होंने ही सामने से समझौता कर लिया, तो एनरॉन का समझौता हुआ, तो बीज बनना शुरू हुआ, तो बीज प्रकल्प अभी लग गया, तो उसमें बीज बनना शुरू हुआ, 8 रुपए यूनिट, 8 रुपए यूनिट बीज बनता है एनरॉन में। अभी तो 2 महीने से बंद है, लेकिन जब बंद हुआ तो 8 रुपए यूनिट का उसका रेट था। और वैसे महाराष्ट्र में एनरॉन के अलावा जो बीज प्रकल्प चलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जहां महाराष्ट्र में बनती है, उसमें एक यूनिट बीज बनता है 65 पैसा, एनरॉन के अतिरिक्त एक यूनिट बीज महाराष्ट्र में 65 पैसे का हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और एनरॉन का 8 रुपए। एक बार मैंने किसी पुढ़ारी को पूछा कि ये चक्कर क्या, एनरॉन के बिना हम बीज बनाते हैं तो 65 पैसे यूनिट, और एनरॉन वही बीज बनाता है तो 8 रुपए यूनिट। कहने लगे राजू भाई क्वालिटी का फर्क है। तो मैंने कहा भाई क्या क्वालिटी का फर्क है, बीज तो बीज होता, उसमें क्या क्वालिटी का फर्क है। क्वालिटी का फर्क बल्ब में हो सकता है, ट्यूबलाइट में हो सकता है, बीज में क्या फर्क है। लेकिन वो ऐसा समझते थे कि मैं मूर्ख हूं तो मैं मान जाऊंगा, उन्होंने कहा क्वालिटी का फर्क है। मैंने कहा भाई ये कौन सी क्वालिटी, क्वालिटी बल्ब में ट्यूबलाइट में हो सकती है, बीज तो एक ही जैसा। तब वो कहने लगे ये इंपोर्टेड बीज है, माने अमरीका से हमने कंपनी बुलाई है उसका ये बीज है। तो उस दिन तो मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि मेरे पास ना कोई प्रमाण था ना कोई सबूत था। उसके थोड़े दिवस के बाद ही पता चला कि जिस एनरॉन कंपनी को यहां प्रकल्प मिला चलाने के लिए या बनाने के लिए, उस एनरॉन कंपनी ने पुढ़ारियों को 247 कोटी रुपए की रिश्वत खिलाई, 247 कोटी। और यह बात कैसे खुली, एनरॉन कंपनी के एक अधिकारी ने अमेरिका में ही इस बात को खोला। कैसे खोला, अमेरिका में एक हंगामा आजकल चल रहा है। यह तो हुआ अतिरेकी हमला, यह नहीं, इससे भी बड़ा एक हंगामा। हंगामा यह है कि जॉर्ज बुश नाम का जो प्रेसिडेंट है उसको एनरॉन कंपनी ने $9 अरब की रिश्वत दी है, जॉर्ज बुश को, जो इस समय अमेरिका में प्रेसिडेंट है।
और उस एनरॉन कंपनी से 9 अरब डॉलर लेकर तो वो राष्ट्रपति बना है। एनरॉन का यह कहना है कि इसको राष्ट्रपति हमने बनाया, अगर हम 9 अरब डॉलर नहीं देते, 9 अरब डॉलर कोई छोटी रकम नहीं है, 9 बिलियन डॉलर, 900 करोड़ डॉलर। तो एनरॉन ये कहता है कि इतना पैसा हम नहीं देते तो ये तो प्रचार नहीं कर पाता, प्रचार नहीं कर पाता तो राष्ट्रपति नहीं बन पाता, तो हमने बनाया। तो उनको पूछा गया क्यों बनाया, तो अमेरिका में एक स्टेट है उसका नाम है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया स्टेट में बीज की पूरी व्यवस्था एनरॉन कंपनी के हाथ में आए इसके लिए उन्होंने 9 अरब डॉलर दिया प्रेसिडेंट बुश को। एनरॉन ये चाहता था कि पूरी बीज व्यवस्था, पूरी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हमारे हाथ में आ जाए कैलिफोर्निया में, तो उसका कुछ काम शुरू भी हुआ था लेकिन घोटाला बीच में खुल गया तो वो बात वहीं पे रुक गई। तो अब एनरॉन के खिलाफ अमेरिका में बहुत बड़ा माहौल है, उसके खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन हुए हैं, अदालत में मुकदमे चल रहे हैं। तो उसी के दौरान एक एनरॉन कंपनी के अधिकारी को ये पूछा गया कि भाई अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति को पैसा दे के खरीद सकते हो तो सब दुनिया में आप यही करते हो गए? तो उन्होंने कहा करते, तो उनको कहा गया भारत में भी ऐसा किया कि हाँ किया, तो भारत में क्या किया आपने? तो उन्होंने कहा 247 करोड़ रुपए दिया भारत के पुढ़ारियों। तो उसको पूछा गया कि आपने अपनी बैलेंस शीट में कहीं लिखा है ये 247 करोड़ रुपए? तो उन्होंने कहा हाँ लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं लिखा कि ये हमने रिश्वत में दिया, घूस में दिया। तो पूछा गया कैसे लिखा है? तो उन्होंने कहा हमारी बैलेंस शीट में वो लिखा हुआ है एक्सपेंसेस फॉर पॉलिटिकल एजुकेशन। अब ये चक्कर क्या, पॉलिटिकल एजुकेशन क्या होता, ये राजनीतिक शिक्षण एक नई बीमारी आई है इस देश में। बहुत सारे शिक्षण होते हैं, समाज शिक्षण होता है, गणित का शिक्षण होता है, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, सबका, ये राजनीति का क्या शिक्षण? तो एनरॉन कंपनी के अधिकारी का ये कहना है कि पहले कोई पुढ़ारी हमारा विरोध करते हैं, फिर हमने उनको पैसा दिया तो उन्होंने हमारा विरोध करना बंद कर दिया, तो उनका राजनीतिक शिक्षण हो गया। ये है। अब आप जरा एक कल्पना करो कि एक एनरॉन कंपनी 247 करोड़ रुपए की रिश्वत अगर दे सकती है तो भारत में एनरॉन जैसी 4000 कंपनियां हैं, कितने लाख कोटि की रिश्वत दी होगी, आप सोचो। फिर मैं थोड़े दिन से इस पूरे प्रकल्प में बहुत पीछे पड़ा हूं, एनरॉन वाले में, एनरॉन जैसे कई प्रकल्प में, तो मुझे माहिती ये मिल रही है कि ये जितने भी प्रकल्प ऐसे लगते हैं, कोई भी परदेशी कंपनी आती है, बिना रिश्वत और बिना घूस के कोई प्रकल्प उनको मिलता ही नहीं, सैंक्शन नहीं होता। तो इतना सारा पैसा ये लोग जब बनाते हैं प्रकल्पों में तो वो कहां जाता? एक तो पगार का लेते हैं, फिर घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, फिर प्रकल्प लगते हैं प्रोजेक्ट में उनमें से अलग से लेते हैं। ये सारा का सारा पैसा ये जो पुढ़ारी लोग हैं भारत से ले जाकर परदेशी बैंकों में जमा कर देते हैं। दुनिया में एक देश है उसका नाम है स्विट्जरलैंड, देखने में बहुत छोटा सा देश है लेकिन उस देश में दुनिया की सबसे ज्यादा संपत्ति है ऐसा कहते हैं। वहां कुछ 10-12 बैंक हैं, उनका कुछ नाम है, जैसे बैंक ऑफ जिनीवा, बैंक ऑफ ज्यूरिख, ऐसे ऐसे वहां पर कुछ 12-15 बैंक हैं। उन बैंकों में अकाउंट्स ओपन होते हैं, लेकिन वहां जो अकाउंट्स ओपन होते हैं उनकी एक विशेष बात है। विशेष बात यह है कि जो भी व्यक्ति वहां जाकर अकाउंट खोलता है उस व्यक्ति को वहां ब्याज नहीं मिलता, उल्टा सर्विस चार्ज देना पड़ता है। और सर्विस चार्ज कैसे देना पड़ता है, जैसे मान लो 1 करोड़ डॉलर आप वहां जमा करो तो 4.5% के हिसाब से देना पड़ेगा, और अगर आप 1 करोड़ डॉलर जमा करके आ गए और 10 बरस तक आप दूसरा कुछ उसमें नहीं जमा कर पाए तो वो 1 करोड़ डॉलर आपका सर्विस चार्ज में ही खत्म हो लेगा, क्योंकि 4.5% के हिसाब से हर साल का 4.5 लाख, फिर अगले साल का, फिर अगले साल का, तो 10-15 साल में वो जीरो हो जाता है। तो इस तरह से वहां अकाउंट चलते हैं। दूसरे उन अकाउंट्स की एक विशेषता होती है कि आप जब स्विस बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो वो कभी उसकी किसी को पोल नहीं बताते जब तक कि ये सिद्ध ना हो जाए कि ये अकाउंट का पैसा घोटाले का है। अगर ये सिद्ध हो जाए तो वो तुरंत पोल खोल देते हैं, और अगर सिद्ध नहीं होता तो वो दबा के रखते हैं। तीसरी एक महत्व की बात है कि जिन अकाउंट में ये पैसा रखा जाता है वो सबके सब अकाउंट में सामान्य रूप से कोई नॉमिनी नहीं होता, जिसने जमा किया वो ही विड्रॉ कर सकता, और अगर मर गया तो डूब जाता, ऐसा भी होता है। अब ये सब पुढ़ारी उन बैंकों में ले जाके पैसा रखते हैं, और जिन पुढ़ारियों ने उन बैंकों में पैसा रखा है उनके बारे में मैंने पिछले 10 वर्षों में कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं, कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए हैं। मेरे एक मित्र हैं, अमरीका में रहते हैं, उनका नाम है शिव खेड़ा,
आपने सुना होगा, आजकल अखबारों में उनका बहुत जाहिरात आता। उनकी एक लिखी हुई पुस्तक है जीत आपकी, बहुत चलती है पूरे देश। शिव खेड़ा बेसिकली इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री, और उनका इसी विषय पर अध्ययन है। भारत के पुढ़ारी जो ब्लैक मनी पैदा करते हैं या लूट और रिश्वत का पैसा जो रखते हैं वो स्विस बैंक में जाता है, तो उसके बारे में उनका अध्ययन है। अभी थोड़े बरस से वो भारत आने लगे हैं शिव खेड़ा। अभी थोड़े समय पूर्व वो उड़ीसा में थे, संबलपुर नाम के गांव में, मैं भी था वहां पर, हम दोनों व्याख्यान देने एक ही शहर में गए। तो शिव खेड़ा से अभी शायद मेरी 1.5-2 महीने पहले मुलाकात हुई, तो मैंने उनको पूछा कि आपके स्टेटिस्टिक्स क्या कहते, कितना पैसा है भारत के पुढ़ारियों का स्विस बैंक में। तो उन्होंने कहा, राजीव भाई जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसके अनुसार भारत के पुढ़ारियों का स्विस बैंक में $2,000 बिलियन। अब ये कितना होता, 2,000 अबज डॉलर। 1 अबज में 100 कोटी और 1 डॉलर में 47 रुपए, तो 2,000 अबज डॉलर कितना, 2,000 अबज डॉलर आप समझ लो 98 लाख कोटी रुपए, माने 100 लाख कोटी रुपए के आसपास। हमारी कुल लोक संख्या 100 कोटी और पुढ़ारियों का पैसा 100 लाख कोटी, तो एक एक को कितना मिल सकता। आप सोचो जरा, 100 लाख कोटी पुढ़ारियों का पैसा स्विस बैंक में पड़ा है। और इनमें मजे की बात ऐसी है, वो ये बताते हैं शिव खेड़ा कि बहुत सारे पुढ़ारी हैं जो मर गए लेकिन पैसा वहां पड़ा हुआ, क्योंकि अब उनके परिवार का कोई विड्रॉ नहीं कर सकता। कानून उनका ऐसा है कि जो जमा करेगा वही विड्रॉ करेगा, नॉमिनी वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप सोचो इतना पैसा, तब मेरे समझ में अब सब बात आती है। बात क्या आती है, 10 पंचवर्षीय योजनाएं हुई, 9 पंचवर्षीय, उनमें 90 लाख कोटी खर्च हुआ, लेकिन देश का विकास और वैसे का वैसा ही है, गरीबी भुखमरी बेकारी। तो ये गया कहां, यही पैसा है जो स्विस बैंक में गया। पुढ़ारियों ने रिश्वत ली, घोटाले किए, घोटाले का पैसा कहां गया, स्विस बैंक में गया। और वो पैसा जो स्विस बैंक में पड़ा है अगर भारत में होता तो देश में गरीब और बेकार व्यक्ति का नामो निशान नहीं होता, क्योंकि इतना पैसा अगर हमारी करेंसी में होता, हमारे लोकल करेंसी के सर्कुलेशन में, इकोनॉमी में होता ये पैसा, तो आप जानते हैं इसमें से क्या हो सकता। कोई मजाक बात नहीं है, 2,000 अबज डॉलर बहुत रकम होती। अगर ये 2,000 अबज डॉलर देश में रहती, पुढ़ारियों ने देश के बैंकों में ही रखा होता, बैंक में से हमने कर्ज लिया होता, कर्जे से कोई कारखाना चलाया होता, कारखाने में माल बनाया होता, माल बनाकर बाजार में बेचा होता, बेचकर मुनाफा कमाया होता, फिर कर्ज को वापस किया होता, फिर दूसरे ने लिया होता, तो आप सोचो देश का कितना औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती थी इसी पैसे। और मैं तो बोलता हूं कुछ भी नहीं किया होता, सब गरीबों को बांट दिया होता खुले हाथ से, तो हर एक गरीब आदमी कोटिपति हो जाता इस देश। ये देश की गरीबी का मुख्य कारण है, प्रमुख कारण है। ये पुढ़ारी लोग अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए क्या कहते हैं, लोक संख्या बाढ़ इस देश में है इसलिए देश में गरीबी भुखमरी है। और मैं तो कई पुढ़ारियों को जानता हूं जो आमदार और खासदार बनने के पहले उनके पास टूटी साइकिल नहीं थी चलने, और आज एक एक के पास 400-400 कोटी की संपत्ति, 500-500 कोटी की संपत्ति। ऐसे भी कई पुढ़ारियों को मैं जानता हूं जो सिनेमा का टिकट ब्लैक करते थे आमदार खासदारों ने, आज उनके पास 500-500 कोटी की संपत्ति। ये कहां से आ रहा है सारा, तो वो कहते हैं ईश्वर ने हमें दिया, भगवान ने दिया, भगवान उन्हीं को देता मुझे क्यों नहीं देता, आपको क्यों नहीं देता। और उनके घर में कोई पेड़ लगा है रुपए का, वो हिलाते हैं तो उसमें से गिरता। ये सब हमारा पैसा, आपका पैसा, मेरी मेहनत का, आपकी मेहनत का, ये गलती से इनके हाथ में लग गया या घोटाला करके उनके हाथ में लग गया, उसी में से ये सब चलता है। तो भारत की गरीबी भुखमरी बेकारी का सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं देश का पैसा परदेश जाना, देश की लक्ष्मी का परदेश जाना, देश की संपत्ति का परदेश जाना। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि लक्ष्मी अगर आपसे नाराज हो जाए तो आप गरीब हो जाएंगे। लक्ष्मी का नाराज होने का अर्थ है लक्ष्मी आपके घर से निकल जाए, परिवार से बाहर जाए, तो आप गरीब हो जाएंगे। तो देश एक बड़ा परिवार है, देश में से पैसा निकल गया, लक्ष्मी चली गई, तो देश गरीब हो जाएगा। तो वही गरीबी लगातार हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बेकारी क्यों आ रही है इस देश में, बेकारी का एक दूसरा बड़ा कारण है,
बेकारी का कारण यह है कि हमारे पुढ़ारियों ने पिछले 10-11 वर्षों से या 15 वर्षों से एक व्यवस्था चलाई है जिसको उदारीकरण कहते हैं, जागतिकीकरण कहते हैं। उस व्यवस्था में अंधाधुंध परदेशी माल, अंधाधुंध परदेशी कंपनियां आ रही, और हमारे पुढ़ारियों ने क्या किया कि जो परदेशी माल भारत में आकर बिक रहा है उस पर टैक्स बहुत कम कर दिया, और परदेशी माल पर जो पाबंदी थी, जो कॉन्स्ट्रेंट थे, वो सब हटा लिए। जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थे वो सब हटा लिए हैं, टैक्स के रिस्ट्रिक्शन हटा लिए हैं, और जो अमाउंट के रिस्ट्रिक्शंस थे वो भी हटा लिए हैं, वो सब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, टैक्सेशन के रिस्ट्रिक्शन सब हटा लिए। तो अंधाधुंध परदेशी माल बिक रहा और बहुत सस्ती कीमत पर। हमारे देश में आप कल्पना करो कि परदेशी माल कितनी सस्ती कीमत पर है। आजकल अपने हिंदुस्तान में पाम तेल बिकता है, उदारीकरण के बाद पाम तेल बिकना शुरू हुआ इस देश में, और 1 लीटर पाम तेल बड़े आराम से 15 रुपए से लेकर 20-22 रुपए तक मिल जाता है 1 लीटर। उसी भारत में 1 लीटर शिंग तेल आप खरीदो, नारियल का खोपरे का तेल आप खरीदो, या कोई 1 लीटर कपास का तेल खरीदो, या 1 लीटर सरसों का तेल खरीदो, तो वो आपको 30-35 रुपए लीटर से 60-70 रुपए लीटर है। तो अपने देश का जो स्वदेशी तेल है वो 30-35 रुपए लीटर से 60-70 रुपए लीटर तक, और जो परदेशी पाम तेल है वो 15 रुपए से लेकर 25-30 रुपए लीटर तक। तो पाम तेल अंधाधुंध बिकता है और भारत के स्वदेशी तेल सब धीरे धीरे बिकने कम हो गए हैं, तो तेल के उद्योग सब बंद हो गए। मैंने अभी थोड़े दिन पहले लोकसभा में माहिती ली, मेरे एक मित्र है, खासदार है, मैंने उनको कहा कि आप पूछो सरकार से कितने तेल उद्योग बंद हुए। उन्होंने सरकार से सवाल किया, सरकार ने जवाब दिया 1997 के साल से पाम तेल बिकना शुरू हुआ बड़ी मात्रा में, अब तक अपने देश में 64,000 तेल उद्योग बंद हो गए, 64,000 ऑयल इंडस्ट्रीज बंद हो गई, राजस्थान में बंद हो गई, गुजरात में बंद हो गई, महाराष्ट्र में बंद हो गई, मध्य प्रदेश में बंद हो गई, सभी तेल उद्योग एक एक करके बंद होते जा रहे हैं। और उन तेल उद्योगों में काम करने वाले हजारों हजारों मजदूर बेकार हो रहे हैं, और मजदूरी बेकार नहीं हो रहे हैं, उन तेल उद्योगों को जो सप्लाई करने वाले काश्तकार थे उनको भाव नहीं मिल रहा है, तो उनकी भी हालत खराब। तो काश्तकार भी मर रहा है, व्यापारी भी जा रहा है, मजदूर भी बेकार। जिस तरह परदेशी पाम तेल बिक रहा है उसी तरह से परदेशी कापड़ बिक रहा है, साउथ कोरिया का कापड़ बिकता है, स्विस कॉटन बिकता है, हांगकांग का कापड़ बिकता है। और अब तो सरकार ने क्या किया है, जो सिले सिलाए कापड़ मिलते थे जिनको रेडीमेड गारमेंट्स कहते हैं उनके लिए भी दरवाजा खोल दिया है, वो भी बहुत सारे परदेशों से आकर बिकते हैं। पहले अपने देश में रिस्ट्रिक्शन था कि सिले सिलाए कापड़, रेडीमेड गारमेंट्स परदेशी कंपनी नहीं बेचेगी, उसको भारत की ही कंपनियां बेच सकती थी। अब उदारीकरण के नाम पर उसको पूरा खोल दिया, तो सिले सिलाए कापड़ भी परदेशों से आकर बिकते हैं, गंजी बिकती है, अंडरवियर बिकता है, ब्रेसियरीज बिकती है, ढेर सारे कापड़, पैंट बिकती है, टी शर्ट बिकती है, बहुत सारे पेंटलून और तमाम तमाम कंपनियों के नाम से बिकते हैं। उनके वजह से क्या हो रहा है, अपने देश के छोटे छोटे हजारों उद्योग बंद हो रहे हैं जो रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं, और कापड़ मिलें भी बंद हो रही हैं। परदेशी कापड़ जब से बिकना शुरू हुआ तब से भारत सरकार ऐसा कहती है 350 कापड़ मिलें तो बंद हो गई, मुंबई में, महाराष्ट्र में, अहमदाबाद में बंद हुई, बड़ोदरा में बंद हुई, सूरत में बंद हुई, और मिलें बंद हो रही हैं, उसके साथ साथ लूम्स बंद हो रहे हैं, पावर लूम्स जिनको आप कहते हैं। अकेले मुंबई शहर में भिवंडी गांव में आप जाइए 3 लाख पावर लूम्स बंद पड़े हैं, पूरा भिवंडी का सत्यानाश हो। मैं अभी थोड़े दिन पहले कोल्हापुर जिले के एक गांव में गया, उसका नाम है इचलकरंजी। इचलकरंजी में 60,000 लूम्स चलते थे, अभी उनमें से मुश्किल से 2-3 हजार चल रहे हैं, बाकी सब बंद है इचलकरंजी की। यार सूरत में 98,000 लूम्स बंद है, अहमदाबाद में बंद है, और जो पावर लूम्स पे दिन में 3-3, 4-4 मजदूर काम करते थे, अब वो पावर लूम्स की मशीनें कौड़ी के भाव मिलती हैं, किलो के भाव से, भंगार के भाव से मिल रही, पूरा कपड़ा उद्योग का सत्यानाश हो। और आप जानते हैं कि भारत में यही एक कापड़ उद्योग है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, और उसी की तबाही और बर्बादी सबसे ज्यादा। फिर ऐसे ही परदेशी सीमेंट बिक रहा है, परदेशी लोहा बिक रहा है, परदेशी केमिकल्स मिल रहे हैं, परदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान मिल रहे हैं, धीरे धीरे सब भारत के कारखाने बंद होने के कगार पर हैं। अब तक कितने कारखाने बंद हुए हैं कुल मिलाकर, तो सरकार ऐसा कहती है पावर लूम्स की संख्या को अगर अलग कर दिया जाए तो जो इंडस्ट्रीज बंद हुई है पूरे देश में उनकी संख्या 4,64,000 है।
स्मॉल स्केल, और काम करने वाले उसमें करोड़ों मजदूर बेकार हो गए। अब जब यह बेकारी बढ़ी है तो इस बेकारी का एक दुष्परिणाम निकला, और वो दुष्परिणाम क्या निकला कि जैसे जैसे किसी देश में बेकारी बढ़ती है वैसे वैसे देश में डिमांड कम होने लगती है, मांग कम होती है मार्केट। क्यों? जो परिवार बेकार है, जो आदमी बेकार है, उसके पास कुछ पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो बाजार में कुछ खरीद नहीं सकता, तो उसकी क्रय शक्ति खत्म होती है, और जब उसकी क्रय शक्ति खत्म होती है तो वो सामान खरीदना कम कर देता है, सामान बिकना कम होता है, और जब सामान नहीं बिकता है तब हम कहते हैं मंदी चल रही है। वही भयंकर मंदी इस समय देश में चल रही है। आप में से बहुत सारे व्यापारी भाई यहां बैठे होंगे, आप जानते हैं कि कितनी भयंकर मंदी। लोग कहते हैं कि ऐसी मंदी हमने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, पिछले 50 वर्षों में ऐसी मंदी लोगों ने देखी और सुनी नहीं। फिर कई लोगों को मैं पूछता हूं कि भाई ये मंदी क्यों है, तो कोई लोग ऐसा भी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी है, अमरीका में मंदी है, यूरोप में मंदी है। अमरीका और यूरोप में मंदी और भारत में मंदी दोनों अलग अलग है। अमरीका और यूरोप में मंदी का कारण है सरप्लस प्रोडक्शन, यहां मंदी का कारण है लोगों की भयंकर बेकारी, जिससे हुआ है परचेसिंग कैपेसिटी कम, वो मंदी का कारण। फिर कई लोग कहते हैं कि अमेरिका यूरोप की मंदी का भारत पर असर है, तो मैंने एक बार पूछा कि क्या असर हो सकता है, हमारा एक्सपोर्ट तो कुछ है नहीं अमेरिका यूरोप में, जो वर्ल्ड मार्केट में टोटल एक्सपोर्ट है उसमें हमारा हिस्सा तो 0.02% है, तो वर्ल्ड मार्केट में हमारा 0.02% का हिस्सा, तो उस मंदी का अपने से क्या लेना देना। अगर वर्ल्ड मार्केट में हमारा हिस्सा 10-15-20% होता तो जरूर हमें उससे लेना देना होता, तो उस मंदी का अपने मंदी से कुछ लेना देना नहीं। उनकी मंदी का कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके देश में लोगों की कंजम्पशन की लिमिट पूरी हो गई है, ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते वो। अब चूंकि वो ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते इसलिए मंदी है। और अमरीका और यूरोप की मंदी का एक दूसरा कारण मैं और बताता हूं, जिससे 2-3 दिवस पहले की ये जो अतिरेक की घटना है वो जुड़ी हुई है, उसको आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये जो वॉशिंगटन में इतना बड़ा तमाशा हो गया, 2 बड़े टॉवर्स को ध्वस्त कर दिया एक हवाई जहाज ने, ये 2 बड़े टॉवर्स करीब करीब 110 मंजिल वाले थे, जिसमें पता नहीं कितने हजार लोग मरे हैं। कोई भी निर्दोष नागरिक मरे तो दुख होना चाहिए हमें, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के लोग ऐसा मानते हैं कि किसी को मारने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि जीवन देने का अधिकार जब हमें नहीं है तो मारने का अधिकार हमें नहीं, तो हम तो सब दुख ही प्रकट कर सकते हैं। लेकिन ये जो घटना घटित हुई है इसका मंदी के साथ सीधा रिश्ता है, मैं ऐसा मानता हूं। आप मेरी बात को थोड़ा हो सकता है आज हंसें, लेकिन आप देखेंगे 10 बरस के बाद मेरी बात आपको पूरी की पूरी सच दिखाई देगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भयंकर दुर्घटना अतिरेकियों ने की अमरीका में वॉशिंगटन डीसी में, 2 टॉवर उन्होंने उड़ा दिए, इसका मंदी के साथ सीधा रिश्ता है। आप पूछोगे कैसे, वो मैं बताता हूं। यूरोप और अमेरिका में मंदी क्यों आती है, मैंने यूरोप और अमेरिकन इकोनॉमी का पिछले 10-12 वर्षों में काफी स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद मुझे जो हैरान करने वाली बात मिली, माहिती मिली, वो ये कि वहां जो है इंडस्ट्रीज जो चलती हैं उनमें जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, जो पूंजी निवेश होता है, वो किन इंडस्ट्रीज में है। हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट अमेरिका में वॉर इंडस्ट्री में है। वॉर इंडस्ट्री माने युद्ध के उद्योग, युद्ध के उद्योग माने हथियार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां। मैं कुछ नाम लेता हूं आपको, एक बहुत बड़ी कंपनी है रेथियोन कॉरपोरेशन, हजारों अबज डॉलर के हथियार हर साल बनाती है, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है हथियार बनाने वाली। दूसरी नंबर की जो कंपनी है अमेरिका की, एक्सॉन, हथियार बनाने वाली दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी। तीसरी अमेरिका की कंपनी है फोर्ड, आपको जानकारी है कि फोर्ड कार बनाती है, कार बनाना तो छोटा सा धंधा है उसका, जो कुल धंधा है उसके 5% में वो कार बनाते हैं, 95% इन्वेस्टमेंट उनका वॉर इंडस्ट्री में है फोर्ड का। उससे भी बड़ी एक अमेरिकन कंपनी है जीएम, जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स के बारे में आपको माहिती है कि यह भी कार बनाती है, कार बनाती है लेकिन कार बनाना उनका संपूर्ण बिजनेस नहीं है, उनका बड़े बड़े मिसाइल बनाने का बिजनेस। तो रेथियोन है, फोर्ड है, जीएम है, एक्सॉन है, ऐसी मैंने अमेरिका की 50 कंपनियों की एक यादी बनाई है, और उन 50 कंपनियों का एक साल का हथियार बनाने का जो कुल खर्चा है वो दुनिया के 150 देशों के बजट से ज्यादा है, इतना भयंकर उनके यहां वॉर इंडस्ट्री है।
मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमेरिका में वॉर इंडस्ट्री में है, हथियार उद्योग कहते हैं उसको वहां, और अमेरिका में उसको सैटेलाइट इंडस्ट्री कहते हैं। सैटेलाइट इंडस्ट्री माने मुख्य उद्योग। सैटेलाइट का अर्थ ये उपग्रह ही नहीं होता, सैटेलाइट का एक अर्थ होता मुख्य, सबसे केंद्र। जैसे हम भारत के बारे में कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो माने एग्रीकल्चर हमारे लिए सैटेलाइट इंडस्ट्री है। अमेरिका युद्ध प्रधान देश है, उनके लिए वॉर इंडस्ट्री सैटेलाइट इंडस्ट्री। अब अमेरिका में क्या होता है, हथियार भयंकर बनते हैं, लेकिन वो हथियार जब नहीं बिकते तभी मंदी आती है, क्योंकि हथियार बन रहा है तो बिकना ही चाहिए, नहीं बिकेगा तो कारखाने बंद है, कारखाने बंद है तो मजदूर बेकार है, और हथियारों के कारखाने बंद तो स्टील वाले कारखाने भी बंद, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री हथियार उद्योग के लिए माल सप्लाई करती है, केमिकल इंडस्ट्री हथियार उद्योग के लिए माल सप्लाई करती है, सीमेंट इंडस्ट्री हथियार उद्योग के लिए माल सप्लाई करती है। तो सैटेलाइट इंडस्ट्री जब खतरे में आती है तो अमरीका के 90 दूसरे उद्योग खतरे में आ जाते हैं। 90 इंडस्ट्रीज अमरीका में है जो वॉर इंडस्ट्री पर टिकी हुई है। एक ही इंडस्ट्री है अमेरिका में जो वॉर इंडस्ट्री पे नहीं टिकी हुई है, जिसको कॉस्मेटिक्स या ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहते हैं, बाकी सभी इंडस्ट्रीज उनकी वॉर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। अब अमेरिका में क्या होता है कि हर 25-30 बरस के बाद ऐसा होता है, एक साइकिल है वहां पर। आप अगर ध्यान दें तो भयंकर मंदी आई 1905-1910 के बीच में, भयंकर मंदी अमरीका और यूरोप में। फिर क्या हुआ, उस मंदी को दूर करने के लिए पहला विश्व युद्ध उन्होंने लड़ा 1914 में, जो शुरू हुआ और 1917 तक चला, जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़कर अमेरिका ने अबजों डॉलर पंप कर दिया वॉर इंडस्ट्री में, उनकी मंदी दूर कर ली उन्होंने। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा कि 15-20 वर्षों में यह साइकिल रिपीट होता है, तो फिर क्या हुआ 1930 में फिर मंदी आ गई, जिसको अंग्रेजी में ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन भी कहते हैं। अर्थशास्त्र के कुछ विद्यार्थी बैठे होंगे तो उनको तो पढ़ाया जाता है, ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन 1930। तो भयंकर मंदी आ गई 1930 में। फिर अमेरिका ने क्या किया, यूरोप ने क्या किया, उस 1930 की मंदी को दूर करने के लिए उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर किया, दूसरा विश्व युद्ध लड़ा। और दूसरा विश्व युद्ध शुरू कैसे हुआ, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ पर्ल हार्बर नाम की अमेरिका में एक जगह है, वहां पर अटैक हुआ। तो पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ तो फिर विश्व युद्ध भड़क गया। दिखाया यह जाता है, बताया यह जाता है कि पर्ल हार्बर पर अटैक जापानियों ने किया, लेकिन अमेरिका के ही कुछ खोजी पत्रकारों ने अभी 3-4 बरस पूर्व यह निकाल दिया और सनसनी फैला दी पूरी दुनिया में कि 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू करने के लिए पर्ल हार्बर पर अटैक अमेरिका ने खुद ही करवाया, अपने ही ऊपर अटैक करवाया। तो फिर आप पूछोगे जापानियों की थ्योरी क्या थी, जापान के कुछ नागरिकों को जबरदस्ती हवाई जहाज में बिठाया गया और उन हवाई जहाजों से बमबारी कराई गई, तो सारी दुनिया में यह संदेश गया कि जापान ने अमेरिका पर हमला बोल दिया है, तो अमेरिका ने उसी का बदला लेने के लिए जापान पर हमला बोला, जिसमें 2 एटम बम उन्होंने गिरा लिए, और 2 एटम बम गिराने के पहले भरपूर युद्ध लड़ा हूं। रूस, ब्रिटेन और ये सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए, एक बाजू में मित्र देश, दूसरे बाजू में शत्रु देश। 3 साल भयंकर युद्ध चला 1941 से लेकर 1944, और 1944 में जब युद्ध धीरे धीरे कम हुआ तो क्यों कम हुआ, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो ये कि अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों के सारे गोडाउन खाली हो गए, इसलिए शांति हो गई। और शांति भी कैसी जबरदस्त हुई, दुनिया में एक पीस उन्होंने बनाया, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस बोला, और उस वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट निकला, आउटपुट निकला, वो यूनाइटेड नेशंस बन गया। और यूनाइटेड नेशंस को ये कहा गया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं होना चाहिए। तो फिर उन्होंने 1 साल की 2 साल की 3 साल की युद्ध की लड़त के बाद अपनी मंदी को कम कर लिया। अब वो मंदी कम हो गई, फिर उसके बाद अब फिर मंदी आ गई अमेरिका में। अब मंदी आई है तो फिर उनको युद्ध लड़ना है। बीच में भी एक बार मंदी आई थी 1980 के आसपास, तो उस मंदी को दूर करने के लिए उन्होंने इराक और ईरान को आपस में लड़वा दिया। 10 साल दोनों कुत्ते की तरह से लड़ते हैं। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, ईरान और इराक का जो युद्ध हुआ वो कैसी बात से शुरू हुआ,
मैं आपको एक सच घटना बताता हूं। वॉशिंगटन पोस्ट नाम का एक अखबार, वो अखबार में एक दिन खबर छपी कि ईरान और इराक के बीच में एक तेल क्षेत्र है जिसको शत अल अरब कहते हैं, वहां भयंकर तेल छुपा हुआ है। खबर छपी अखबार में, अमरीका के अखबार। अब जैसे ही ये खबर छपी तो इराक की सरकार को मालूम हुआ कि हमारे देश में कोई इलाका है जहां बहुत तेल है। ईरान को भी लगा कि हमारा भी एक इलाका है वहां पर बहुत तेल है। अब वो जिस इलाके में तेल की बात छपी थी अखबार में, वो इलाका था बफर स्टेट, बफर जोन कहलाता था। बफर स्टेट एक ऐसा इलाका होता है जिसमें किसी भी देश का कब्जा नहीं होता, दोनों देश चाहे तो उसको समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो नो मैन्स लैंड होती है ज्यादातर जो बफर स्टेट होती है। तो शतल अरब में तेल छुपा है, तो इराक ने कहा ये हमारा है, ईरान ने कहा ये हमारा है। तो अमरीका बीच में चौधरी बन के आया, उसने कहा भाई आपस में लड़ते क्यों? तो उसने कहा क्या करें, तो यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव ले आओ। तो दोनों ने कहा ठीक है प्रस्ताव ले आओ। तो यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव आया, तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि अरे अब कैसे तय किया जाए तेल किसका है, क्षेत्र किसका है, तो ऐसा करिए आप युद्ध लड़ लीजिए आपस में। बाकायदा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात आई कि आप युद्ध लड़ लो। तो ईरान इराक दोनों तैयार हो गए, अमरीका यही चाहता था। अब ईरान इराक ने जब युद्ध की तैयारी शुरू की तो अमरीका की हथियार बेचने वाली कंपनियों के मजे आ गए, उन्होंने इराक को भी हथियार बेचे, ईरान को भी बेचे, धुआंधार, इधर से सप्लाई ईरान को, उधर से इराक को। और अमरीका की कंपनियों ने ग्रुप्स बना लिए, कुछ कंपनियां इराक के समर्थन में, कुछ ईरान के समर्थन, धुआंधार हथियार बेचे। और 10 बरस युद्ध चला, और 10 बरस के युद्ध में दोनों देशों ने एक दूसरे के 80 लाख नागरिक मार लिए। फिर भी फैसला नहीं हुआ कि कौन जीता कौन हारा। 10 बरस युद्ध चला, 80 लाख लोग मरे, कोई फैसला नहीं हुआ कौन जीता कौन हारा। फिर सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई और उसने कहा भाई फैसला कर लो आपस में, तो पहले भी हो सकता था लेकिन कहा युद्ध लड़ लो, अब कहा फैसला कर लो। फैसला करने की बात तब आई जब हथियार खत्म हो गए, गोडाउन खाली हो गए, रातों रात पैदा नहीं हो सकते, तो चलो फैसला करो। तो फैसला हुआ, तो फैसला क्या किया अमरीका ने चौधरी बन के कि अगर तेल है तो खोदते हैं उसको, आधा आधा बांट लेंगे। अब ये बात तो पहले भी समझ में आती थी, आधा आधा बांट लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब दोनों देशों के बीच तेल खुदाई का काम शुरू हुआ, तो ठेका किसको मिले वो सवाल आया। तो अमरीका ने हमारी कंपनियों को दे दो ठेका, ना इराक को ईरान पर भरोसा, ना ईरान को इराक पर भरोसा, दोनों एक ही सभ्यता के देश हैं, एक ही जाति के हैं, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन हो गए कट्टर, तो उनका भरोसा नहीं एक दूसरे पे। तो अमरीका की उसमें लाग लग गई। वो जो बिल्ली बंदर की कहानी है ना, वो आप जानते, दो बिल्ली लड़ती थी, एक बंदर था, और वो एक की रोटी खाता था वो दूसरे की भी, तो वो कहानी में पूरी रोटी बंदर ही खा गया, बिल्लियों को कुछ नहीं मिला। वही हुआ इसमें ईरान इराक के साथ। तो अमरीका ने कहा हमको दे दो धंधा, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दोनों अमरीकी कंपनियां जिन्होंने युद्ध के लिए हथियार बेचे थे उन्हीं को तेल निकालने का ठेका भी मिला। अब उन कंपनियों ने तेल खोदना शुरू किया, माने ड्रिगिंग शुरू की, और जब करते गए करते गए करते गए 2-3 बरस के बाद कहा कि यहां कुछ भी तेल नहीं है, हो गया काम। अब जब यह तय हो गया कि इसमें कुछ भी तेल नहीं है, तो ईरान इराक वालों ने सिर पे माथा अपना पीटा कि हम पागलों की तरह से लड़ते रहे, अब यहां कुछ भी तेल नहीं। तब इराक के राष्ट्रपति जिसका नाम है सद्दाम हुसैन, उसने कहा कि अमरीका ने हमको लड़वाया, ये खलनायक है, ये विलेन है। तब से वो अमरीका के खिलाफ हो गया। तो अब अमरीका कहता सद्दाम हुसैन को मार दो, क्योंकि वो अब अमरीका की पोल खोलता है, इसलिए उसको मार दो। अब वो क्या है तमाशा सारा कि सद्दाम हुसैन ने वॉशिंगटन पोस्ट अखबार के ऊपर केस किया है, क्योंकि खबर वहां छपी थी कि यहां भयंकर तेल है, अखबार में खबर छपी थी। अखबार वाले गए और कोर्ट में माफी मांगाए कि हमारे से गलती हो गई, बस किस्सा खत्म हो गया, कोर्ट में छोड़ दिया हमने, क्योंकि मुकदमा अमरीका की कोर्ट में हुआ, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट अखबार जो है उनकी जो ज्यूरिसडिक्शन का वो है ना, हर एक अखबार का अपना एरिया होता है, तो वो कहते हैं हमारा एरिया तो अमरीका है। तो गए वो केस करने, अमरीका के जज ने उनको माफ कर दिया, भाई गलती हो गई हो गई, लेकिन उनकी गलती से 80 लाख लोग मर गए, इसकी माफी उन्होंने कभी नहीं मांगी। वो सारा खेल क्यों किया गया, अमरीका को मंदी दूर करनी थी, हथियार बेचना था, तो वो सब खेल हो गया। अब देखिए मैं आता हूं अब की घटना। अभी 3-4 दिन पहले फिर घटना हुई है, 2 टॉवर ध्वस्त हो गए 110 मंजिल के। अब कहा जाता है कि अतिरेकियों ने उसको तोड़ दिया, हालांकि सबूत उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं मिला कि किसने तोड़ा, किसने बम मारा, लेकिन मैं मेरे मन की बात आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है कि वो थोड़े दिवस के बाद आपको सच साबित हो जाए
मुझे मन में ऐसा लगता है, मेरा इंस्टिंक्ट ये कहता है कि ये टॉवर अमेरिका ने खुद तोड़वाए। आप पूछोगे क्यों तोड़वाए, मैं आपको तीन प्रश्न रख रहा हूं और आप उन पर ध्यान से सोचें। सबसे पहला प्रश्न ये है कि जिन टॉवरों को तोड़ा गया उसके लिए जहाज अपहरण किए गए। अमेरिका का एक हवाई अड्डा बोस्टन, अमेरिका का दूसरा हवाई अड्डा लॉस एंजलिस, और अमेरिका का तीसरा हवाई अड्डा जिसको वॉशिंगटन डीसी। वो ये कहते हैं कि बोस्टन से जहाज अपहृत हुआ, लॉस एंजलिस से अपहृत हुआ। ये दोनों ही ऐसे हैं जहां भयंकर सिक्योरिटी है, परिंदा पर नहीं मार सकता। मजाल क्या कि एक चिड़िया वहां पर ऐसी फटक जाए, बोस्टन और लॉस एंजलिस दोनों, और वहां से चार चार जहाज अपहृत हो गए और एक घंटे तक पता ही नहीं चला। अमेरिका में सिक्योरिटी का सिस्टम ऐसा है कि जहाज अपहरण होने के 15-17 मिनट में खबर मिल जाती है कि उसका अपहरण हो गया, एक घंटे तक खबर ही नहीं। अच्छा, और जो जहाज अपहृत हुए वो अपहरण के बाद सीधे जाकर टकराए, एक घंटे तक उन्होंने उड़ान भरी, और एक घंटे उड़ान भरी सिर्फ अमेरिका की एयर स्पेस में, और दूसरे देश में नहीं गए वो। आप जरा ध्यान दीजिए, अमेरिका के ही एयर स्पेस में वो एक घंटे उड़ते रहे, तो नीचे ये रडार पर बैठने वाले लोगों को क्या सांप सूंघा हुआ था उस समय? ये जो रडार पर लोग बैठते हैं उनको एक एक सेकंड की खबर रहती है। आप जानते हैं जहाज उड़ता है तो वहां के कुछ नियम हैं। जहाज जब उड़ता है ऊपर स्पेस में तो उसकी रोड्स होते हैं, जैसे हमारे यहां सड़क के होते हैं ना, सड़क का नियम है, एक सड़क पर एक कार चल रही है दूसरे, वहां क्या केव्स होती हैं, गुफाएं होती हैं, स्पेस में केव्स बनाई जाती हैं गुफाएं, और हर एक जहाज के लिए एक गुफा निर्धारित होती है, वो उसी गुफा में जाएगा, उसके ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा सकता, और फिर उसको अगर अपना पाथ चेंज करना है तो नीचे पहले टॉवर पर, कंट्रोल टॉवर पर वो मैसेज देगा कि मुझे मेरा पाथ चेंज करना है, तो नीचे से ऑर्डर मिलेगा कि करो, तब वो एक गुफा छोड़कर दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, तीसरे से चौथे में, या ऊपर से नीचे आता है। ये सब नीचे कंट्रोल टॉवर से रहता, आप जरा ध्यान देना। और अमेरिका के लोग कहते हैं कि हमारा सिस्टम दुनिया में हाईली एफिशिएंट है, कंट्रोलिंग सिस्टम उनका बहुत एफिशिएंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनके कंट्रोल टॉवर में बैठे हुए हर आदमी को मालूम, हर आदमी को मालूम है कि जहाज उड़ा है और उड़कर गया है, और वो जाकर फिर देखिए आप कि एक जहाज जो टकराया, जिसका दृश्य आपने बार बार देखा है, मैंने तो एक ही बार देखा, उसने 270 पे टर्न किया है, ऐसे एक तरफ जा रहा है और 270 टर्न किया है। इतना टर्न जो है कोई बहुत ही मशहूर या बहुत एक्सपर्ट पायलट ही ले सकता है, आतंकवादी तो सवाल ही नहीं उठता कर ले उसे, कोई अतिरेकी उसको टर्न करा ले प्रश्न ही नहीं उठता। वो टर्न जो है बहुत व्यवस्थित लिया गया है, और बहुत व्यवस्थित टर्न के बाद वो जा रहा था वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस की तरफ, 270 टर्न लेके वो घुस गया पेंटागन में। और मैं आपको पेंटागन की बात बताऊं, पेंटागन है डिफेंस मिनिस्ट्री, वहां पर बम्स और गन्स लगे रहते हैं हमेशा, वहां पे चार गन्स हैं चारों तरफ दिशाओं, चार उनके मेजर वो हैं एंट्री पॉइंट, चारों तरफ गन्स हैं, और वो गन्स ऑटोमेटिक हैं, और वो गन्स की जो मार है वो 2.5 किलोमीटर ऊपर तक है। वो गन्स क्या होता है, जैसे ही कोई जहाज पेंटागन के आसपास आया वो अपने आप चालू हो जाती है और मार देती है वहीं आकाश में। तो वो गन्स क्या कर रही थी भाई, और एक नहीं चारों एक साथ फेल हो गई, मान सकते हैं एक फेल हो गई, दो फेल हो गई, तीन फेल हो गई, चारों फेल हो गई। चारों गन्स अगर फेल हो गई तो फिर अंदर के जो अधिकारी बैठे थे उन्होंने ठीक क्यों नहीं किया उनको, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी का मामला है। और सबसे मजे की बात जो हैरान करती है मुझको और आप सबको, शायद आप सोचें कि भाई अगर ये अटैक हो रहा था तो टीवी वाले कैसे पहुंच गए, कहां से पहुंचे टीवी? आप ध्यान दो, पहले जहाज की रिकॉर्डिंग बराबर है और दूसरे की तो खैर है ही, तो इसका अर्थ यह है कि पहला जहाज अटैक करने जा रहा है तो टीवी वालों को मालूम था, वो कैमरा लेके तैयार बैठे थे, और दूसरा जहाज उसके 10 मिनट के बाद आया तब तो खैर मालूम ही होगा उनको, दोनों ही रिकॉर्डिंग बिल्कुल साफ साफ है। अगर पहले जहाज के टकराने की रिकॉर्डिंग नहीं होती तो मैं मान लेता ये कुछ घोटाला है, गड़बड़,
लेकिन पहले जहाज की बराबर रिकॉर्डिंग है। पहला जहाज स्ट्राइक कर रहा वो दिख रहा, दूसरा भी स्ट्राइक कर रहा वो भी दिख रहा, और तीसरा वो पेंटागन का तो खैर है ही। तो ये सब बहुत सोचे समझे गए प्लॉट के साथ हुआ है, बहुत सोच समझ के हुआ है, ये अचानक से कुछ भी नहीं हुआ। मैं इसको एक्सीडेंट नहीं मानता, मैं इसको सोचा समझा गया अमरीका का एक्सपेरिमेंट मानता हूं। अच्छा आप देखो एक और मजे की बात, जैसे ही अटैक हो गया, आप जरा ढूंढो उस समय जॉर्ज बुश कहां था। वॉशिंगटन डीसी में था ही नहीं, फ्लोरिडा में था। फ्लोरिडा बहुत दूर है वहां से, क्यों था फ्लोरिडा में, क्या काम था उसको? तो कहते छुट्टी मनाने गया था। तो अभी महीने भर पहले छुट्टी मना के लौटा था, क्या हर महीने छुट्टी पे जाता? जॉर्ज बुश महीने भर पहले 21 दिवस की छुट्टी मना के लौटा, फिर महीने चला गया क्या? तो काम नहीं करता इसका माने वो, हर महीने छुट्टी लेता रहता। तो कहा गया कि वो छुट्टी मनाने फ्लोरिडा गया हुआ था। अच्छा फ्लोरिडा नहीं गया हुआ था, मेरा ऐसा अनुमान है जो चूक गया वो ये कि जॉर्ज बुश की प्लानिंग या अमरीका की प्लानिंग ये थी कि व्हाइट हाउस को अटैक कराना, इसलिए उसने व्हाइट हाउस खाली कर दिया था पहले ही। जॉर्ज बुश तो छुट्टी पे गया मान लिया, लेकिन जॉर्ज बुश के सब कर्मचारी भी नहीं थे, व्हाइट हाउस खाली था क्योंकि तैयारी थी अटैक कराने। और व्हाइट हाउस को अटैक कराने का अर्थ क्या है, अमरीका देखिए और यूरोप, मैं आपको इनकी एक विशेषता बताता हूं। ये लोग ऐसे हैं जो दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो पहले लेजिटिमेसी सिद्ध करते हैं कि ये बिल्कुल लेजिटिमेट है, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो लेजिटिमेसी सिद्ध करने में बड़े बड़े प्लॉट रचते हैं, बड़े बड़े वहां पे काम होते हैं। तो पर्ल हार्बर की लेजिटिमेसी सिद्ध करने के लिए जापानियों को बिठा लिया प्लेन में और खुद से अटैक किया खुद के ऊपर। तो सारी दुनिया को लगा कि जापान ने अटैक किया, तो पूरे दुनिया जापान के ऊपर फिल गई। बाद में उनको गलती हुई कि हमसे गलती हो गई, और अब पर्ल हार्बर के बारे में अमरीका के सब लोग मानते हैं, वहां के हिस्टोरियन भी कहते हैं कि वो भाई हमारा ही अटैक था हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि वो जरूरी है, सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो हम तो मंदी दूर नहीं कर पाते। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की मंदी दूर करने के लिए पर्ल हार्बर का अटैक, और अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है क्योंकि मंदी फिर आई है, उसकी ये पूर्व भूमिका है और तैयारी है। अब इस भूमिका में अमेरिका अकेले नहीं लड़ना चाहता। अमेरिका क्या चाहता है, दुनिया के सब देश उसके साथ आ जाए। नाटो नाम का एक ग्रुप है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 17-18 देश हैं। अमेरिका ये चाहता है कि ये सब मेरे साथ हों। क्यों चाहता है? क्योंकि अमेरिका ये कहता है और मानता भी है कि मैं अकेले लड़ूंगा तो हथियारों की खपत कम होगी, एक ही आर्मी तो लड़ेगी। अब नाटो मिलके लड़ेगा तो 18 गुनी बढ़ जाएगी। और मजे की बात उनकी क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने पिछले 2-3 दिन में एक ही अभियान किया है, वो ये कि अपनी संसद में रातों रात $40 अरब का बजट पारित कराया है स्ट्राइक करने के लिए, माने हमला बोलने के लिए। और हमला बोलना कहां है, अफगानिस्तान पे बोलना है, सूडान पे बोलना है, लीबिया पे बोलना है, उनका टारगेट पहले से फिक्स है। अफगानिस्तान पे हमला बोलेंगे, लीबिया पे बोलेंगे और ये सूडान पे बोलेंगे, और अगर लग गया हाथ तो फिलिस्तीन पे भी बोल सकते हैं या एक आध किसी और देश पे बोलेंगे। तो उनका भूमिका यह है कि पोलराइजेशन हो जाए दुनिया में, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, ये वो चाहते हैं। इस्लाम एक तरफ हो जाए, इस्लामिक देश एक तरफ हो जाए, क्रिश्चियन देश एक तरफ हो जाए, दोनों मिलकर लड़ें और अच्छे से युद्ध हो तो मंदी दूर हो जाएगी। और मैं आपको बताता हूं, इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों युद्धों का कोई नतीजा नहीं निकला, ना सेकंड वर्ल्ड वॉर का ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद फिर शांति की बात करनी पड़ी, समझौता करना पड़ा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ, अभी फिर वही होगा। हो सकता है 2-3 महीने, 4 महीने, या हो सकता है साल भर युद्ध खिंच जाए, साल भर युद्ध के बाद फिर समझौता होगा। क्योंकि मेरी ऐसी मान्यता है कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को संपूर्ण नहीं मिटा सकता। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में आप नहीं मिटा पाए तो अभी क्या मिटा लेंगे। लेकिन इससे तबाही बहुत भयंकर होगी, हो सकता है 1-2 करोड़ लोग मारे जाए या उससे भी ज्यादा मारे जाए, भयंकर तबाही होगी। और इनको कोई दर्द नहीं है तबाही होने का, उनको लगता है कि उनका काम पूरा होना चाहिए। और इसमें जब तबाही होगी तो आप जान लीजिए हम और आप भी नहीं बच पाएंगे। ऐसा हम मानकर बैठे हों कि अफगानिस्तान पर अटैक होगा, गलती से कोई मिसाइल दिल्ली की तरफ मुड़ गई तो क्या होगा?
क्योंकि हो चुका है कई बार। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं, अभी अमरीका ने अफगानिस्तान पर थोड़े समय पहले हमला किया था, गलती से उनकी एक मिसाइल चाइना के उनके उसमें चली गई थी, एम्बेसी ऑफिस तोड़ दिया था पूरा ऑफिस, मर गए थे उसमें कई चाइन, अमरीका ने बाद में माफी मांगी थी। तो इसका तो कोई भरोसा नहीं है, कितनी ही गाइडेड मिसाइल्स हो, कंप्यूटर प्रणाली काम करना बंद कर दे तो कहीं का कहीं जाके टकराती, और क्या तबाही कर सकती है आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। और अगर किसी मिसाइल में केमिकल वेपन्स उन्होंने लगा दिए तो तबाही तो और भयंकर होगी, क्योंकि अमरीकियों का तो चरित्र ऐसा है। वियतनाम में वॉर हुआ था, आप सबको शायद याद होगा, जितने बड़ी लोग हैं, तो वियतनाम में इन्होंने लाखों लोगों को केमिकल वेपन से मारा था, लाखों लोगों को। बाद में यह भी माना था हमसे गलती हुई थी, क्योंकि निर्दोष लोग बहुत मारे गए थे। तो जब भी युद्ध होता है निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं। अब अमरीका क्या कहता है, ओसामा बिन लादेन हमें चाहिए। भाई तुमको ओसामा बिन लादेन चाहिए तो ओसामा बिन लादेन लाने के रास्ते बहुत सारे हैं, युद्ध लड़ने का ही एक रास्ता थोड़ी है। ओसामा बिन लादेन को पकड़ के अमरीका ले जाने के लिए बहुत सारे तरीके, आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अमरीका चाह कर भी ओसामा बिन लादेन को अरेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि लड़ना तो उसी से है ना। अब दुश्मन को ही अरेस्ट कर लेंगे फिर लड़ाई किससे लड़ेंगे। ऐसे ही सद्दाम हुसैन की बात चली थी, तो सद्दाम हुसैन को पकड़ने के 50 तरीके थे, लेकिन उन्होंने कोई तरीका नहीं अपनाया, सद्दाम हुसैन को जिंदा छोड़ा ताकि लड़ने के लिए कोई तो रहे सामने। तो सद्दाम हुसैन भी जिंदा रहेगा, ओसामा बिन लादेन भी जिंदा रहेगा, और युद्ध चलता रहेगा ताकि उनके हथियार बिकते रहे। तो मेरी ऐसी मान्यता है कि इस समय अमरीका और यूरोप के देशों ने अपनी आई हुई भयंकर मंदी को दूर करने के लिए वही खेल खेला है जो 1945 में उन्होंने खेला था, और 10 बरस के बाद हो सकता है कि वही बात फिर सामने निकल कर आए, जैसे अभी पर्ल हार्बर की बात सब सामने आ गई निकल कर कि हाँ हमने अपने ही ऊपर अटैक किया था क्योंकि हमें उसकी जरूरत थी। अच्छा मैं आपसे एक बात और कहता हूं जो मुझे परेशान करती है, जॉर्ज बुश का चेहरा देखा है आपने पिछले 3-4 दिन, जॉर्ज बुश जो वहां का प्रेसिडेंट है उसका चेहरा आप देखो, कुछ लगता है आपको उसके चेहरे कहीं से भी कुछ लगता है? किंचित मात्र एक लकीर दिखाई देती है उसके माथे पे कि कुछ गड़बड़ है, मजे में है एकदम। और इतने मजे में आदमी वही रह सकता है जो प्लॉट बनाया हो, और तो रह ही नहीं सकता। अचानक से किसी देश पर इतना बड़ा अटैक हो जाए तो हवाइयां उड़ने लगती हैं चेहरे पे। आप परवेज मुशर्रफ का चेहरा देख लो, हवाइयां उड़ रही हैं उसके पे, ऐसा लग रहा है परवेज मुशर्रफ को कि कहीं मेरे ही ऊपर तो हमला नहीं हो रहा। तो आप परवेज मुशर्रफ का चेहरा देखो, एकदम सूख गया है। मेरी कल्पना ऐसी थी कि यह चेहरा जॉर्ज बुश का भी होना चाहिए था, क्योंकि जिस देश में अचानक से हजारों लोग मर गए हों वहां के राष्ट्रपति को तो वो होना ही बहुत सामने, लेकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कहीं से भी टेंशन नहीं है जॉर्ज बुश को। और सिर्फ जॉर्ज बुश ही क्यों, कॉलिन पॉवेल को नहीं है जो उनका रक्षा मंत्री है, किसी को नहीं है। और ये सब जो है मान कर बैठे हैं कि अभी एक आध हफ्ते में युद्ध हमें शुरू करना है, उसकी भूमिका बना रहे हैं। अब भूमिका एक ही बन रही है कि ज्यादा से ज्यादा देशों को साथ ले लें, तो इसमें फायदा पता है क्या होगा, नाटो जब साथ में आएगा तो युद्ध का खर्चा बराबर बांटा जाएगा, नहीं तो अमरीका के ऊपर ही पूरा बोझ आ जाएगा। अमरीका बहुत चालाक है, आप चाहे अमरीका अकेले अटैक कर सकता, कोई मुश्किल थोड़ी है। अफगानिस्तान को अटैक करना अमरीका के लिए तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान उनके टक्कर का देश नहीं है। लेकिन अमरीका नहीं चाहता कि वो अकेले अटैक करे, वो क्या कहता है सबको मेल जोल कर अटैक करो। तो मेल जोल से अटैक के क्या होगा कि अटैक करने का मान लो 200 अरब डॉलर का खर्चा आया तो नाटो के 18 देश हैं सब में बराबर बराबर बट जाएगा, तो अमरीका का अपना खर्चा कम होगा और हथियार उनके मैक्सिमम बिकेंगे, क्योंकि हथियार नाटो में कोई नहीं बनाता सिवाय अमरीका के, एक ही देश है जो हथियार बनाता है अमरीका, बाकी नाटो के जितने भी देश हैं वो उनसे लेते हैं खरीदते हैं, तो उनकी सप्लाई होगी। अब आप देखो कि खर्चा युद्ध में जब होगा तो वापस अमरीका में ही पहुंचेगा वो पैसा, नाटो के देश जितना भी खर्च करेंगे हथियार खरीदने में वो जाएगा अमरीकी कंपनियों के खाते में, तो पैसा तो अमरीका में वापस ही आने वाला है, उसी पैसे से वो अपनी मंदी को दूर करने की योजना बनाते। और जब उनकी वॉर इंडस्ट्री रेगुलेट हो जाएगी तो 90 इंडस्ट्रीज उनकी अपने आप जिंदा हो जाएंगी, तो रिसेशन उनका अपने आप दूर हो जाएगा। ये है सारी कहानी। और इस कहानी का एक पहलू और है, अमरीका आज परेशान है कि दुनिया में आतंकवाद है, हम तो पिछले 15 साल से परेशान हैं।
और अमेरिका आज परेशान है कि उनके दो टॉवर में कुछ हजार लोग मर गए, पता नहीं कितने मरे। वो कहते हैं कि इन दोनों टॉवर में 50,000 लोग काम करते थे, लेकिन उस दिन नहीं थे उतने लोग। और एक तो सवेरे अटैक हुआ तो पूरा भरे होने का प्रश्न ही नहीं है, वर्किंग आवर्स में नहीं अटैक हुआ है, बहुत पहले अटैक हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर लाशें निकाली जाए, वैसे तो मिलना बहुत मुश्किल है, 2,500 लोगों से ज्यादा नहीं मरे, मैक्सिमम होंगे तो 2,500 लोग मरे, 3,000 मर गए होंगे ज्यादा। लेकिन जो 3,000 लोग मर गए हैं अमरीका में, उसकी तुलना हम भारत से करें, हम सन 1989 से 1989 से जम्मू कश्मीर में अतिरेकियों का हमला झेल रहे हैं, और 1989 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के भारतीय लोग जो मरे हैं उनकी संख्या 25,000 से 30,000 के बीच में है, जो निर्दोष हैं जो मारे गए अतिरेकी हमले में जम्मू कश्मीर। और ये तो 25,000 से 30,000 निर्दोष लोग मारे गए, अगर आर्मी ऑफिसर्स की संख्या इसमें जोड़ ली जाए तो आतंकवाद में जो आर्मी ऑफिसर्स अपने मर गए हैं उनकी संख्या भी लगभग 5,000 से 7,000 के बीच में निकलेगी, इतने ऑफिसर्स मर चुके हैं। रोज मरते हैं, कभी 6 मरते हैं, कभी 10 मरते हैं, कभी 15 मरते हैं, कभी 20 मरते हैं, कोई दिन शायद बाकी जाता हो जब नहीं मरते हो। अमरीका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आया था तो इन्हीं अतिरेकियों ने 36 सिंहपुरा में एक साथ 36 लोगों का मर्डर किया था। और उस समय बिल क्लिंटन को हमारे देश की सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि देखो आपकी आंखों के सामने जम्मू कश्मीर में 36 सिंहपुरा में निर्दोष लोगों को मार दिया इन अतिरेकियों ने, और सबूत हम आपको दे रहे हैं कि ये सब अतिरेकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हैं। तो बिल क्लिंटन को यह कहा गया कि आप भारत से रवाना होने के पूर्व, वापस जाने के पूर्व, कम से कम पाकिस्तान को आतंकवादी देश तो घोषित कर दो। तो बिल क्लिंटन ने कहा नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मित्र, क्योंकि अमेरिका में कोई बड़ा हमला नहीं हुआ आतंकवादी, तो पाकिस्तान मित्र है। अब अमेरिका में हमला हो गया है और उनके 2,500 लोग मर गए हैं, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति को पूछा जा रहा भाई तुम क्या करोगे, हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे, और अगर नहीं देगा तो पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करेंगे। तो जब भारत के निर्दोष नागरिक मरते हैं तो अमरीका के लोगों के पेट का पानी नहीं हिलता, उनको लगता ही नहीं है कि भारत में कोई प्रॉब्लम है। और जब हमारे देश में यह प्रॉब्लम पीक पर था, चरम पर था, जब कारगिल वॉर चल रहा था, हमारी आर्मी के जवान मर रहे थे, तो एक बड़ा प्रश्न उस समय देश के सामने था कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पार करें कि ना करें। हम लाइन ऑफ कंट्रोल अगर पार करते तो शायद आतंकवादियों के सारे अड्डे ध्वस्त कर देते जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास चलते हैं, और अगर वो ध्वस्त हो जाते तो कुछ दिनों तक शायद हमको शांति हो जाती। लेकिन ये अमरीका ही था जो बार बार भारत सरकार को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार मत करिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करेंगे तो वॉर हो जाएगा, वॉर हो जाएगा तो बहुत तबाही हो जाएगी, तबाही हो जाएगी तो एशिया में हथियारों की भयंकर बाढ़ आ जाएगी। तब हमको पाठ सिखा रहा था अमरीका शांति का। अब जब उनके देश में अटैक हुआ है तो कहते हैं अफगानिस्तान आतंकवादी देश है, सूडान भी आतंकवादी देश है, लीबिया भी आतंकवादी देश है, और जरूरत पड़े तो पाकिस्तान को भी वो कह देंगे आतंकवादी देश। जब ये बात हम कह रहे हैं तो अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, अब उनके यहां खुद अटैक हुआ तो कहते हैं अब तो फर्क पड़ता। हमारे यहां एक कहावत है, जाके पैर न फटी भिवाई, वो का जाने पीर पराई। जिसके पैर फटते नहीं है वो दूसरे का दर्द नहीं जानता। अमरीका के पैर अभी फटना शुरू हुए हैं तब उनको लग रहा है कि आतंकवाद कितनी बड़ी समस्या है। हमारे पैर पिछले 12-15 साल से उसमें जल रहे हैं, फटे नहीं है, जल रहे हैं, और वो कहता है कि कोई समस्या नहीं आतंकवाद हिंदुस्तान। तो ये इनका दोहरा चेहरा आप जरा देख लो, अमरीकियों का, यूरोपियंस का। दुनिया के और भी देश हैं आतंकवाद से जूझ रहे हैं, आप श्रीलंका को देखो ना, क्या हालत है श्रीलंका में। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम नाम का एक संगठन है, उसने जीना हराम कर रखा है वहां के लोगों को। अमरीका को कोई तकलीफ नहीं, होता है तो होने दो। आयरलैंड में आप जाओ, इंग्लैंड के बाजू का एक देश है, आयरलैंड में जीना हराम कर रखा है वहां के आतंकवादियों ने, साधारण लोगों का, अमरीका को कोई तकलीफ नहीं। कनाडा में जाओ, भयंकर आतंकवाद अभी चालू है। लैटिन अमेरिका में तो कई देशों में आतंकवाद है, चिली में, कोस्टारिका में, कोलंबिया में, बोलीविया में, लापाज में, बहुत सारे छोटे छोटे देशों में, लेकिन वहां भी उनको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ उनको तब हुई है जब उनके देश में आया। वो ये मानते हैं कि हमको दर्द है तभी दुनिया को दर्द होना चाहिए, नहीं तो दुनिया के दर्द का कोई अर्थ नहीं। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं, वो ये कि जिन आतंकवादियों को अमेरिका मारना चाहता है वो इसी के मानस पुत्र हैं अमेरिका के।
ओसामा बिन लादेन अमरीका का पैदा किया हुआ है, और ये जो इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन वो भी अमरीका का पैदा किया। ओसामा बिन लादेन कहां से आया? आसमान में से नहीं आया, अमरीका ने उसको बनाया। कैसे बनाया? एक समय था जब अफगानिस्तान में अमरीका और रूस की टक्कर हो रही थी कि नहीं, अफगानिस्तान युद्ध का अखाड़ा बना हुआ था, अमरीका रूस दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। तो अमरीकियों ने क्या किया कि वहां के लोकल ग्रुप्स को पैसा देकर, हथियार देकर बढ़ावा देना शुरू किया और उनकी ट्रेनिंग कराई CIA के लोगों से। उसी ट्रेनिंग में से एक एक्सपर्ट पैदा हुआ जिसका नाम है ओसामा बिन लादेन। तो पहले ये ओसामा बिन लादेन अमरीका के कहने पर रशियन आर्मी के ऊपर अटैक करता रहा, और रशियन आर्मी के ऊपर अटैक होते होते रशिया ने एक दिन वहां से विड्रॉ कर लिया। तो ओसामा बिन लादेन के पास कुछ काम नहीं बचा, क्योंकि आपने जिस आदमी को बोतल में से निकाल के जिन्न बनाया वो तो वही काम करेगा। आपने उसको मारने के लिए खड़ा किया तो उसने मारा। जब रूस वहां से विड्रॉ कर गया तो ओसामा बिन लादेन के पास कुछ काम नहीं था, तो उसने उल्टे अमरीका को मारना शुरू कर दिया। वो एक कहानी सुनिए ना भस्मासुर की, वो उनको वरदान मिल गया तो शंकर जी के सामने बड़ा संकट था कि अब इसको मारा कैसे जाए। वरदान तो दे दिया उसको कि वो मरेगा नहीं, अमर है। तो फिर यह भी कहा गया था कि वो सिर पे हाथ रखेगा तभी मरेगा, तो नाचते नाचते सिर पे हाथ रखा फिर मारा उसको। अमेरिका का भी यही संकट है कि ओसामा बिन लादेन का बोतल में से जिन्न तो इन्होंने ही निकाला था, ओसामा बिन लादेन अपने आप कुछ भी नहीं बना। और ऐसे ही सद्दाम हुसैन था, ऐसे ही कर्नल गद्दाफी है, ये जितने भी बड़े आतंकवादी लीडर माने जाते हैं आज दुनिया में, ये सब अमेरिका के प्रोडक्ट हैं। अमरीका कॉलगेट क्लोजअप पेप्सोडेंट ही पैदा नहीं करता, आतंकवादी भी पैदा करता। उनके सिर्फ कंपनियां ही प्रोडक्ट नहीं बनाती, उनकी जो एजेंसियां हैं वो खतरनाक प्रोडक्ट बनाती। तो ये उनके प्रोडक्ट हैं जो दुनिया भर में अभी बिखरे हुए हैं। अब उन्हीं को मारने के लिए उन्हें अभियान चलाना है, और वो अभियान इसलिए महत्व का है कि दुनिया में अब कोई दूसरा तो है नहीं टक्कर देने वाला, एक ही है। पहले रूस था तो टक्कर देता था, अब रूस खत्म हो गया तो कोई टक्कर नहीं है, तो अपना कोई दुश्मन तो खड़ा करना ही पड़ेगा ना। जब टक्कर देने वाला होता तो दुश्मन खड़ा करने की जरूरत नहीं है, जब है ही नहीं तो सामने पहले दुश्मन खड़ा करो फिर उसको मारो। इस तरह का खेल है ये सारा का सारा, और इस खेल में पूरी दुनिया को शामिल किया है। मुझे दुख इस बात का है कि हमको ये खेल जब दिख रहा है, हमारे देश के बहुत सारे लोगों को ये खेल अगर दिखने लगे तो अपने देश के बारे में हमें हमारी भूमिका तय करनी चाहिए कि भाई ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए ऐसी परिस्थिति। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी भूमिका तो अपने देश के हित और स्वार्थ को देखकर ही तय होनी चाहिए। अमरीका का हित और स्वार्थ हमारा नहीं हो सकता, उनका हित और स्वार्थ उनके हिसाब से है, हमें हमारे इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे अपने देश के हिसाब। तो हमारे हित में, हमारे स्वार्थ में क्या है वो हमें तय करना होगा। अमेरिका अपने हित और स्वार्थ में तय करता है, वही हम तय करें वो हमारी भूल होगी, और बहुत बड़ी भूल होगी। तो एज ए नेशन, एक राष्ट्र की स्थिति में हमें इस परिस्थिति पर विचार करना चाहिए, और इस परिस्थिति पर विचार करके आप अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनिए। कोई पूछेगा कि राजीव भाई कहां जाएंगे आप, किस पक्ष में, अमेरिका की तरफ खड़े होंगे या इनकी तरफ खड़े होंगे? मैं कहता हूं किसी की तरफ खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी अंतरात्मा को सुनो वो क्या कह रही है। ऐसे जहां भी कभी आपको कोई कंफ्यूजन हो अपने मन में कि हम इधर खड़े हों या इधर खड़े हों, कंफ्यूजन लाने का नहीं, अपने दिल की आवाज सुनो वो क्या कहता है। मेरे दिल की आवाज ये कह रही है कि हम दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं जा सकते, हम दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं जा सकते, ना हम अमेरिका के पक्ष में जा सकते हैं ना ये इस्लामिक आतंकवादियों के पक्ष में जा सकते हैं। हमें हमारे पक्ष को देखने की जरूरत है, और ध्यान इस बात की रखने की जरूरत है कि इस पूरे एपिसोड में कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए बहुत बड़े पैमाने। तीन नुकसान होने की बहुत बड़ी संभावना है देश में। सबसे पहला नुकसान क्या होगा कि जब भयंकर वॉर होगा तो ये ओपेक कंट्री जो है ना तेल की सप्लाई रोक देंगे, और तेल की सप्लाई अगर रोकी उन्होंने तो डीजल पेट्रोल की भयंकर क्राइसिस होगी। हमारा देश काफी मामले में पर निर्भर है डीजल और पेट्रोल पे, स्वावलंबी हम कभी हुए नहीं, होने की हमने कोशिश भी नहीं की, हम हमेशा डीजल पेट्रोल के ही जीवन में बिताते रहे अपने आप। अब है नहीं इतना हमारे पास, और सप्लाई या तो रुकेगी या बहुत महंगा कर देंगे। वो $30-35 तो अभी कर ही दिया उन्होंने, युद्ध शुरू होते वो $50 भी हो सकता, $50 बैरल, $60 भी हो सकता, $100 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। और ओपेक कंट्रीज के रेगुलेशन पर किसी का कंट्रोल नहीं है, तेल पैदा करने वाले देश क्या पॉलिसी तय करेंगे आप उनको नहीं डिक्टेट कर सकते।
तो सबसे बड़ा संकट देश में डीजल पेट्रोल का आएगा। तो वैसी परिस्थिति में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? तो मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, वो ये कि अगर युद्ध शुरू हो जाए तो आप सब लोग अपने अपने वाहन खड़े कर दें, डीजल और पेट्रोल का पूरी तरह से बहिष्कार। आप अपनी कार चलाना बंद कर दें, स्कूटर चलाना बंद कर दें, मोटरसाइकिल चलाना बंद कर दें, जितने भी वाहन आप चलाते हैं जिसमें डीजल और पेट्रोल का खर्च होता है उसको करना पूरी तरह से बंद करें। तो क्या करें? साइकिल से चलें, साइकिल चलाओ अभियान चलाएं पूरे देश में। और साइकिल चलाओ अभियान में कोई तकलीफ नहीं है। कोई लोग ऐसा कहते हैं कि अब तक हम गाड़ी से चले तो साइकिल से कैसे चले? गाड़ी से आप चले तो आप अब साइकिल से चल रहे हैं तो प्रमोशन ही हो रहा है आपका, डिमोशन नहीं हो रहा, आपको मैं प्रमोट कर रहा हूं। कैसे? आप साइकिल से चलेंगे तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। जिनको डायबिटीज है वो महीने भर चल रहे हैं साइकिल से, डायबिटीज नॉर्मल। जिनको लो बीपी हाई बीपी है वो साइकिल से चल रहे हैं, वो एक महीने में नॉर्मल। जिनको मोटापा बहुत हो गया है और उसको कम करना है वो साइकिल से चल रहे हैं, दो तीन महीने में नॉर्मल। जिनकी किडनी फेलियर होने के चांसेस हैं, तकलीफ ज्यादा है, वो साइकिल से चलें, पानी ज्यादा पिए तो वो भी नॉर्मल। बीसियों बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी, डायबिटीज तो गारंटी से जाएगा। डायबिटीज का मतलब समझते हैं, आप खा रहे हैं लेकिन वो कंज्यूम नहीं हो रहा है। बहुत खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, एनर्जी तो पैदा हो ही रही है लेकिन आप उसको कंज्यूम ही नहीं कर रहे। तो कंजम्पशन का एक रास्ता खुलेगा जब आप साइकिल का पैडल चलाएंगे, और साइकिल अगर चलना शुरू हो जाए तो प्रदूषण खत्म, धुएं से मुक्ति मिल जाएगी, धुआं होगा ही नहीं, और धुआं नहीं होगा तो फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी, फेफड़ों में नहीं जाएगी तो टीबी जैसी खतरनाक बीमारी से बचेंगे, ब्रोंको निमोनिया से बचेंगे, बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। और साइकिल से जब चलें तो उसके आगे एक बोर्ड लगा लें, उस पर लिखें कि मैं साइकिल से चल रहा हूं, क्यों? मैं मेरे देश के स्वाभिमान की रक्षा करना चाहता हूं, इसलिए मैं साइकिल से चल। आप पूछोगे इससे स्वाभिमान की रक्षा कैसे होगी? इससे स्वाभिमान की रक्षा ऐसे होगी कि जब युद्ध का समय होता है और किसी चीज की भयंकर क्राइसिस हो जाती है तो आपको कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ेगी ओपेक देशों के सामने। और अगर आप कटोरा लेके भीख मांगेंगे तो वो शर्तें बताएंगे आपको कि हमारी ये शर्त मानो तब हम आपको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो आप राष्ट्र की अस्मिता से समझौता करेंगे तो स्वाभिमान को बेचेंगे। तो राष्ट्र का स्वाभिमान बेचने से अच्छा कुछ कष्ट करें अपने जीवन में, साइकिल से चलें, नहीं तो पैदल चलें। मैं आपको एक फॉर्मूला देके जाता हूं, 5 किलोमीटर के एरिया में अगर आपको काम है तो पैदल चलें आप, जब युद्ध शुरू हो जाए तो 5 किलोमीटर एरिया में कोई भी काम हो तो पैदल चलें। 5 किलोमीटर से अगर 10 किलोमीटर तक कोई काम है तो साइकिल से चलें, या 15 किलोमीटर तक है तो भी साइकिल से चलें, और उसके आगे का काम है तो पब्लिक व्हीकल से चलें, जैसे बस है ट्रेन है। एक बस में एक साथ 60 लोग चलेंगे, आप अकेली कार में एक व्यक्ति चलेगा, पेट्रोल का कंजम्पशन उसी के हिसाब से आप जोड़ो। तो पब्लिक यूटिलिटी व्हीकल जो है, बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, ट्रक हो सकता है, उसमें आप चलना शुरू करें। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब अकोला वासियों को दिन में 5 किलोमीटर से ज्यादा तो कुछ काम है नहीं, तो पैदल चल के आपका तो पूरा हो जाए। कभी इमरजेंसी आई तो 10 किलोमीटर में आएगी, तो साइकिल है उसके लिए, तो एक एक साइकिल आप ले लीजिए। अब जिनके पास है वो बहुत अच्छे लोग हैं, नहीं है तो ले लें। फिर आप कहोगे कि राजीव भाई ये साइकिल ले लें तो उससे क्या, एक फायदा और होगा, अगर आप साइकिल लेंगे तो हिंदुस्तान में साइकिल बनाने के लिए स्टील की खपत बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं लोहे, और स्टील की खपत बढ़ेगी तो स्टील हमारी कोर इंडस्ट्री है, भारत में दो ही कोर इंडस्ट्री है, स्टील और सीमेंट। तो स्टील कोर इंडस्ट्री है, इस कोर इंडस्ट्री में डिमांड खड़ी होगी, किसकी, स्टील की। स्टील की डिमांड खड़ी होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्टील एरिया का मंदी खत्म होगा, और स्टील में मंदी खत्म हुआ तो 90 दूसरे उद्योगों में मंदी खत्म होगा, तो ये बहुत दूर तक जाएगी बात। तो आप अभी से तैयारी करिए साइकिल चलाने, पैदल चलने की तैयारी कल से चालू कर दीजिए साइकिल चलाने की, क्योंकि युद्ध कभी भी हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है, 3 दिन में भी। तो पहला काम तो अपने राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए साइकिल से चलने का संकल्प करें, पैदल चलने का संकल्प करें। दूसरा एक काम और करें, जब भी युद्ध होता है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आयात हम कर रहे हैं उसकी भी कीमत बहुत बढ़ती है। आज हम कोई चीज $10 में खरीद रहे हैं, युद्ध अगर हो गया तो वो चीज $50 में भी मिलेगी। तो हम ये तय करें कि हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या चीज आयात नहीं करनी,
तो जो फालतू की बकवास है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं वो सब आयात टोटली बंद करें। जैसे हमें पाम ऑयल इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, बंद करो, क्योंकि युद्ध के दिनों में एक एक डॉलर बहुत कीमती होगा, एक एक पाई बहुत कीमती होगी। तो आप जो फालतू के आयात कर रहे हैं, जैसे पाम ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बंद करो, कोई जरूरत नहीं। कापड़ इंपोर्ट कर रहे हैं, बंद करो, उसकी कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो शेतकारियों के द्वारा बनाए जा सकते हैं, उनको बंद करो। जैसे दाल इंपोर्ट हो रही है आजकल, बंद कर दो। चावल इंपोर्ट हो रहा है उसको भी बंद कर दो। गेहूं इंपोर्ट हो रहा है उसको भी बंद कर दो। हर एक परदेशी वस्तु जो जरूरत नहीं है, तो आप पूछोगे जरूरी कहां है? सिर्फ कुछ दवाएं ऐसी हैं जो भारत में नहीं बनती हैं, उन्हीं का इंपोर्ट चालू रखो। युद्ध के दिनों में सारा इंपोर्ट बंद कर दो, तो ये दूसरा काम। और ये इंपोर्ट कैसे बंद होगा? आप इन सब विदेशी चीजों की डिमांड खत्म कर दो, इंपोर्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि व्यापारी इनको इंपोर्ट कर रहा है, डिमांड है मार्केट में। डिमांड आप खत्म कर दो, इंपोर्ट नहीं करेगा। तो डिमांड खत्म करने या खड़ा करने का काम हमारे अपने हाथ में। तो हम डिमांड खत्म करें, कोई इंपोर्टेड वस्तु हम नहीं लेंगे युद्ध के समय में, क्योंकि राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा वो पहला काम है हमारा। तो इस तरह से इंपोर्टेड वस्तुएं बंद होंगी, डीजल पेट्रोल की खपत कम होगी, तो राष्ट्र के स्वाभिमान की हम रक्षा कर सकेंगे। और युद्ध के समय में कुछ नई टेक्नोलॉजी विकसित हो, तो मेरे दिमाग में बहुत दिन से एक आइडिया चल रहा है कि भारत देश में जितनी भी टेक्नोलॉजी बनी कार बनाने की या इंजन बनाने की, वो डीजल पेट्रोल आधारित है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन से जजमेंट दिया, सीएनजी आया, कंप्रेस नेचुरल गैस आया। तो कंप्रेस नेचुरल गैस के आधार पर अब इंजन बनने लगा, क्योंकि सीएनजी अपने देश में है। लेकिन अब पता चला है कि सीएनजी भी बहुत ज्यादा नहीं है पूरे देश में। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि युद्ध के दौरान हम सब मिलकर अगर एक अभियान चलाएं, मैं तो वो करने ही वाला हूं, वो ये कि भारत के इंजन जो गाड़ियों में लगे हैं, चाहे वो चार पहिए की गाड़ी हो या दो पहिए की गाड़ी हो, वो आपका स्कूटर मोटरसाइकिल हो या कार हो, जीप हो, कुछ भी हो, हर एक इंजन को एक ऐसी वस्तु से चलाएं जो भारत में भरपूर मात्रा में बन सकती हो, जिसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। मेरे दिमाग में दो आइडिया है। एक आइडिया यह है कि अपने देश में भरपूर मात्रा में एथिल एल्कोहल बनता है। एथिल एल्कोहल माने दारू बनाने का कच्चा माल, वो बहुत है अपने देश में। और मैंने सुना है कि महाराष्ट्र सरकार के पास तो सबसे ज्यादा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार 7,000 दारू की दुकानें खोलने जा रही है गांव का। तो ये 7,000 दारू की दुकानें लोगों को पिलाने के लिए क्यों खोलें? ये जो दारू बनाने का कच्चा माल है एथिल एल्कोहल, इसी को हम इंजन चलाने में वापर सकते हैं। एथिल एल्कोहल से बहुत अच्छी गाड़ी चल सकती है। और मैंने चला के देखी, मेरे आईआईटी के कुछ मित्र जो रात दिन कुछ प्रोजेक्ट में काम करते रहते हैं अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी का, उन्होंने एक ऐसा इंजन डिजाइन किया है जो आपके एथिल एल्कोहल से बहुत अच्छे तरीके से चल सकता। उसमें 60% एथिल एल्कोहल वापरते हैं, 40% पेट्रोल वापरते हैं। तो 40% पेट्रोल तो देश में पैदा ही होता है, तो वो हम ले लें और बाकी एथिल एल्कोहल ले लें। और एथिल एल्कोहल का कंजम्पशन डीजल पेट्रोल की जगह अगर होने लगे तो दारू पीने वालों की शामत आ जाए, माने मिले ही नहीं दारू कहीं, तो दारू पीने वाले भी कम हो जाए। और एक और रास्ता मेरे पास है, मैंने एक और थोड़े क्षेत्र में काम शुरू किया है। आप जानते हैं हर एक गांव में पशु हैं, गाय है, बैल है, भैंस है, घोड़े हैं, और उन पशुओं का गोबर भी है, उनका एक्सक्रीटा भी है, जिसको हम कुछ भी कहें, गोबर कहें, वेस्ट कहें, मल कहें, कुछ भी कहें। उस सभी मल में एक बहुत अच्छी गैस होती है, उसको मीथेन गैस कहते हैं। गाय का जो गोबर है ना, गोबर में मीथेन गैस है, बड़द का गोबर है उसमें भी मीथेन है। ये जो मीथेन गैस है ये बहुत काम की हो सकती है। मैंने अभी इस पे एक प्रयोग किया, आजादी बचाओ आंदोलन की एक छोटी सी लेबोरेटरी है, छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला है, रायपुर जिले में एक अछोटी नाम का गांव है, वहां पर हमारा एक केंद्र चलता है जहां पर हम कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। वहां मेरा एक मित्र है जो रात दिन कुछ एक्सपेरिमेंट में लगा रहता, मैं भी जाता रहता हूं। तो अभी कई दिनों से हमारा दिमाग ये काम कर रहा है कि ये जो गांव गांव में मीथेन गैस है, इससे चलाओ अपनी गाड़ी। तो अब हमने गाड़ी चलाने का एक्सपेरिमेंट तो सफलतापूर्वक पूरा किया और मीथेन से बहुत अच्छी गाड़ी चलती है। और हम वहां अछोटी गांव में अपने केंद्र की चार पहिए की गाड़ी और दो पहिए का स्कूटर दोनों मीथेन गैस से चलाते हैं। एक पैसा भी डीजल और पेट्रोल हम नहीं वापरते और मीथेन गैस से दोनों चलते हैं। तो आप पूछोगे खर्च क्या आता है? मेरा जो स्कूटर वहां मीथेन गैस से दौड़ता है, वो स्कूटर 1 किलोमीटर जब चलता है
तो खर्चा मात्र उसका 13 से 14 पैसा आता, 1 किलोमीटर मात्र 13-14 पैसा। मेरी 4 पहिए की गाड़ी जब चलती है और मीथेन गैस से 1 किलोमीटर, तो उसका खर्चा 35 से 40 पैसा आता बस। और यहां डीजल पेट्रोल से आप गाड़ी चलाओ, 1 किलोमीटर का खर्च कम से कम 2.5 से 3-4-5 रुपए तक आता। मेरा तो 25-30 पैसे में ही काम चल जाता। अब मैंने क्या शुरू किया है, ये जो मीथेन गैस है ये इसी इंजन में काम कर सकती है जो इंजन आपके पास है, एग्जिस्टिंग इंजन, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। बस उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो मीथेन गैस को सिलेंडर में कैसे भरे, क्योंकि ओपन है वो, तो खुली हुई है। तो अभी हम लोग सारा रात दिन मगजमारी कर रहे हैं कि इसको सिलेंडर में कैसे भरें। तो मैंने एक छोटे सिलेंडर बनवाए, छोटे छोटे 1 किलो 2 किलो के, तो छोटे सिलेंडर में भरना आसान है। उसके लिए एक मशीन डिजाइन किया, वो मशीन उसी गांव में हमने लगवाई, 3.5-4 लाख रुपए में मशीन बनके तैयार हुई, उसका डिजाइन हम लोगों ने तैयार किया। अब वो मशीन क्या करती है, छोटे गैस के सिलेंडर भरती है। तो एक किलो 1.25 किलो 1.5 किलो का सिलेंडर स्कूटर में बड़े आराम से फिट होता है और स्कूटर उससे बड़े आराम से दौड़ता है। अब मैंने ये सोचा है कि ये काम अगर हम करें तो पूरे देश में बड़ी क्रांति हो सकती है। कैसे, हर एक गांव में मीथेन गैस है और इफरात में है, क्योंकि हर एक गांव में गाय बैल बकरी घोड़े सब हैं, तो उनका वेस्ट भी है, वेस्ट है तो मीथेन गैस है, और वो वेस्ट तो बेकार ही पड़ा हुआ है। हम उसको ठीक से खड्डा खोद के डालें, गोबर गैस के प्लांट लगा लें, उसमें से मीथेन गैस का प्रोडक्शन हो, वो मीथेन गैस को सिलेंडर में भर लें, सिलेंडर में भर के हमारी गाड़ी में लगा लें, गाड़ी उससे दौड़ना शुरू करे, तो भाड़ में जाए डीजल और भाड़ में जाए पेट्रोल, अपने को क्या लेना देना भी। तो ये युद्ध अगर आया तो मेरी तैयारी इस बात की है कि हम इस दिशा में काम करेंगे। अपने को ना अमरीका के साथ जाना है ना इस्लामिक देशों, अपने को अपना रास्ता बनाना है, और अपना रास्ता इसी में से बनेगा। कोई लोग कहते हैं कि राजीव भाई आप क्या मानते हैं, मैं उनको कहता हूं कि हमें अमेरिका से आगे जाना है, हमें ये इस्लामिक देशों से भी आगे जाना। तो अगर उनसे आगे जाना है तो नया रास्ता बनाना होगा, उनके रास्ते पर चलकर आप उनसे आगे नहीं जा सकते। अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो उनके पीछे ही चलेंगे, अगर आप उनको बाईपास करेंगे तो आप उनसे आगे निकलेंगे। तो ये बाईपास कैसे करेंगे, अब तक हम उनको फॉलो कर रहे हैं डीजल पेट्रोल की टेक्नोलॉजी को ही अपने देश में इंपोर्ट करके, ये तो हमने फॉलो किया। अब इसको बाईपास कैसे करेंगे, डीजल पेट्रोल की टेक्नोलॉजी को हटाओ, मीथेन गैस की टेक्नोलॉजी को लाओ, तो बाईपास कर लेंगे। और हर एक गांव में मीथेन गैस है तो मैं तो सपना देखता हूं कि हर एक गांव में एक मीथेन गैस का पंप हो जाए और उस पंप पे मीथेन गैस भरना शुरू हो जाए। तो गाड़ियों में सिलेंडर लगा दिए जाए, जैसे हम डीजल पेट्रोल भरते हैं वैसे ही सिलेंडर फिट रहे, उनमें मीथेन गैस भरो आगे चलो, दूसरा भरो आगे चलो। तो सीएनजी गैस के पंप खड़े करने में सरकार को अबजों डॉलर का खर्च है, मीथेन गैस के पंप खड़े करने में ये खर्च नहीं आएगा। और अगर ये काम हम कर पाए तो हर एक गांव के काश्तकारों को कोटिपति बनने का रास्ता खुल जाएगा। कैसे बनेगा काश्तकार कोटिपति, ऐसे ही तो बनेगा कि जो उसके पास कच्चा माल है उसको भाव दिलवा दो तो कोटिपति होगा। उसके पास गोबर सबसे ज्यादा मात्रा में है क्योंकि 22 करोड़ पशु हैं उसके पास, मुफ्त का पड़ा हुआ है, कोई उसको पूछता नहीं है, उसी की कीमत लगा दो, और इतनी लगा दो कि जब मीथेन गैस से गाड़ी दौड़ने लगे तो गोबर का भाव 50 रुपए किलो तक पहुंच जाए, लगा दो। तो देखो लगा दो, तो देखो काश्तकार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। तो अपने देश के लिए इसमें से क्या रास्ता निकलता, वो ये निकलता। तो इसमें मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि युद्ध अभी होगा, ये नहीं रुकेगा, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल आमादा है, अमेरिका को मंदी दूर करनी है, वो अटैक करेगा। उस अटैक को रिटेलिएट करने के लिए इस्लामिक देश एक होंगे, उनमें हो सकता है 2-3 देश अमेरिका के साथ जाएं, बाकी सब एक साथ होंगे। ये भयंकर चलेगा, इस भयंकर युद्ध में करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं, करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। उनमें आप कभी अफसोस नहीं करना कि आपके कोई भाई बंद मरे, क्योंकि अमेरिका में जो रह रहे हैं उनके मरने की चांसेस सबसे ज्यादा है। तो मैं तो आपको कहता हूं कि चिट्ठी लिख दो तुरंत, आपके जितने रिश्तेदार अमेरिका में कह रहे हो कह दो कि तुरंत भागा होगा। वो कहेंगे भाई बैंक अकाउंट, अरे छोड़ के आ जाओ भाई, जिंदगी प्यारी है अभी, ये बैंक अकाउंट के चक्कर में मत फंसो। क्यों, युद्ध अगर शुरू हुआ तो आप ये जान लीजिए ना वॉशिंगटन सुरक्षित है ना न्यूयॉर्क सुरक्षित है, क्योंकि अमेरिका जिनको मारेगा उनके पास भी अमेरिका को मारने की शक्ति है, वो कमजोर नहीं है, और उनको अमेरिका की ही कंपनियों से वो शक्ति मिली, तो मारेंगे वो भी अमेरिका को।
तो अमेरिका के भी कई देश, कई शहर निशाने पर हैं, यूरोप के भी शहर निशाने पर हैं, और उसमें लोग मरेंगे तो अपने भी लोग मरेंगे, क्योंकि 30-35 लाख हिंदुस्तानी अमेरिका में रहते हैं। तो इन हिंदुस्तानियों को कहो कि भाई बहुत खा लिया तुमने अमेरिका का डॉलर, अब आ जाओ। वो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए, तो आ जाओ जल्दी, नहीं तो गए काम से। और काम से कैसे जाएंगे, वैसे काफी काम से तो चले गए, अमेरिका में मंदी है, मंदी में 66,000 .com कंपनियां बंद हो गई, तो 1,25,000 हिंदुस्तानियों को निकाल बाहर किया है उन्होंने, और उनका वीजा रिन्यू नहीं हो रहा, और वो तो कह रहे हैं कि भाग जाओ आप जल्दी से हिंदुस्तान। अब ये ही लालच में है जो वहां पड़े हुए हैं, वो इस लालच में है कि शायद कल नौकरी मिल जाए, परसों नौकरी मिल जाए। तो आप उनसे कहो कि बहुत लालच हो गया, अब ज्यादा चक्कर में मत फंसो, जिंदगी बचानी है तो भारत में वापस आ जाओ। फिर पूछेंगे काम क्या है, तो अपने पास बहुत काम है, बुलाओ तो सही ना, ये मीथेन गैस का जो सिस्टम चलेगा इन्हीं में लगाएंगे ना सब, बहुत काम है अपने पास, काम की कुछ कमी नहीं। क्योंकि जब ये सिस्टम चलेगा ना तो टेक्नोलॉजी बनेगी, टेक्नोलॉजी बनेगी डिमांड खड़ी होगी, डिमांड खड़ी होगी तो सप्लाई साइड लानी पड़ेगी, तो कई प्रोडक्शन यूनिट लगानी पड़ेगी, उसको कौन चलाएगा, यही लोग चलाएंगे आ जाए। तो काश्तकार तो कच्चा माल सप्लाई करेगा, ये उसकी टेक्निकल साइड संभालेंगे, और हो सकता है इसमें से कोई नई चीजें भी निकल आए। मैंने तो एक एथिल अल्कोहल की बात कही, मैंने तो एक मीथेन की बात कही, हो सकता है और 50 चीजें इसमें से निकल आए, क्योंकि जब एक नई रिसर्च शुरू होती है इनोवेटिव, तो वो 50 रास्ते खोलती है दुनिया में। एक रिसर्च शुरू होती है, बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, तो अपने लिए भी रास्ते उसमें से खुलेंगे। तो जब युद्ध हो तो हमें हमारे देश के लिए स्वाभिमान की रक्षा करनी है, और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हमें संकल्प लेना होगा, और वो संकल्प ये कि जैसे ही युद्ध शुरू हो, मैं आप सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, डीजल पेट्रोल का खर्च बिल्कुल खत्म करें, जो गाड़ियों से चल रहे हैं वो साइकिल पे आ जाएं, साइकिल वाले साइकिल से चलें, नहीं तो पैदल चलें, जितना साइकिल और पैदल चलने का काम आप करेंगे डीजल पेट्रोल का कंजम्पशन उतना ही कम होगा। और ये संदेश अगर अकोला शहर से गया तो मुझे बहुत खुशी होगी, अकोला शहर अगर ये संदेश दे पूरे देश को कि जैसे ही युद्ध शुरू हो, अकोला में हजारों हजारों लोग साइकिल पर आ गए, हजारों हजारों लोग पैदल आ गए, तो सारा देश देखेगा कि देखो ये अकोला वाले इतिहास बनाए। आप बनाइए इतिहास, आपके सामने बहुत अच्छा मौका है, ये मौके बार बार नहीं आते। इतिहास में नाम दर्ज करा लीजिए कि जब तीसरा विश्व युद्ध हुआ था तो अकोला के नागरिकों ने इतिहास बनाया था, और वो इतिहास यही कि हम हमारे सुख सुविधाओं को छोड़कर साइकिल से चलेंगे, पैदल चलेंगे, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेंगे, हम स्वाभिमान की कीमत पर अपने सुख सुविधाओं में नहीं फंसेंगे। तो एक तो डीजल पेट्रोल का बहिष्कार, दूसरा मैंने कहा जो इंपोर्टेड चीजें हम ले रहे हैं उनका भी बहिष्कार, बहुत सारी इंपोर्टेड वस्तुएं हमारे घर में है उनको मत खरीदिएगा, और ऐसी अमेरिकन कंपनियों की वस्तुएं तो वो तो बिल्कुल मत खरीदिएगा, वो आप पहले से जानते हैं, क्योंकि बार बार मैं उस विषय पर व्याख्यान दे चुका हूं इसलिए उस विषय को रिपीट नहीं कर रहा हूं। विदेशी कंपनियों की वस्तुएं खरीदना सबसे जल्दी बंद करिए, क्योंकि युद्ध जब चलेगा तो यही विदेशी कंपनियां अमरीका को मनी सप्लाई करेंगे। वो क्या चाहेंगे, हिंदुस्तान में माल बिक्री बढ़े, माल बिक्री बढ़े तो यहां से डॉलर्स मिले, डॉलर्स मिले तो अमेरिका की आर्मी को सप्लाई करें, क्योंकि युद्ध के समय में पैसे की कमी पड़ती है, तो वो यहां से सप्लाई साइड मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम उसी समय सप्लाई साइड को काट दें, तोड़ दें, तो बहुत अच्छा है। देखिए दुश्मन के खिलाफ जब युद्ध लड़ते हैं ना, तो युद्ध तो ठीक है लड़ते ही हैं, लेकिन दुश्मन की सप्लाई लाइन पहले तोड़ते हैं। एक अच्छा जो कमांडर होता है ना आर्मी का, वो क्या करता है, दुश्मन को कहां से रसद मिल रही है पहले वो लाइन तोड़ो। तो भारत में से ये जो सप्लाई लाइन बनी हुई है इसको आप तोड़ दो। सप्लाई लाइन कहां से बनी हुई है, पेप्सी कोला की बिक्री से सप्लाई लाइन बनी हुई है, कोका कोला की बिक्री से बनी हुई है। जितनी अमरीकी कंपनियों का माल बिक रहा है, पेप्सी, कोका कोला, कॉलगेट या प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, ये कंपनियां सप्लाई लाइन है हमारे यहां से उनके लिए, वो आप तोड़ दो, और उसके स्थान पर जो अपने गांव गांव में बनने वाले सामान है उनकी खरीद शुरू कर दो, तो इससे डॉलर्स बचेगा। आप ध्यान रखना, जितनी भी अमेरिकन यूरोपियन कंपनियां यहां व्यापार करती हैं वो डॉलर्स में ले जाती हैं प्रॉफिट, और युद्ध के समय में डॉलर्स की ही क्राइसिस सबसे ज्यादा आएगी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हार्ड करेंसी वही है। आज हमारे पास हम कह सकते हैं 45 बिलियन डॉलर है, लेकिन युद्ध के दौरान हो सकता है वो 10 अरब डॉलर ही रह जाए, बहुत तेजी से खर्च होता है पैसा, आता नहीं है पैसा, ब्लॉक हो जाता है। तो उस परिस्थिति में देश का एक एक पाई बचाना हमारा धर्म है, और वो धर्म हम पूरा करें वो हमारे संकल्प से होगा।
किसी दूसरे को देखने से नहीं होगा। तो हम हमारे राष्ट्र के लिए संकल्प करेंगे, मैं ऐसा ही एक निवेदन आपसे आज करके जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि अकोलावासी इस संकल्प में खरे उतरेंगे। मैं बीच बीच में खबर लेता रहूंगा कि अकोला के निवासियों ने युद्ध के समय देश के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए क्या किया। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब खड़े हो ही रहे हैं तो हम सब संकल्प लेकर खड़े, आज हम सब संकल्प करें कि युद्ध की परिस्थिति अगर बनेगी तो राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने जीवन की सुख सुविधाओं में जितना संभव होगा कटौती करेंगे और जितना संभव होगा राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। तो मैं संकल्प कराऊंगा, आप सब मेरे पीछे पीछे संकल्प को दोहराएंगे। मैं संकल्प बोलूंगा तो जहां मैं बोलूंगा करता हूं वहां पर सब महिलाएं बोलेंगी करती हूं। बोलिए, अभी अपना दाहिना हाथ सामने करिए, उजवा हाथ सामने करिए और मेरे पीछे पीछे संकल्प करिए। संकल्प करिए, बोलिए, मैं संकल्प करता हूं कि किसी भी युद्ध की स्थिति में अपने राष्ट्र के स्वाभिमान की अंतिम समय तक रक्षा करूंगा। इसके लिए अपने जीवन में जो भी कष्ट उठाने पड़े उन्हें उठाने की पूरी कोशिश करूंगा। अन्य दूसरों को इसी संकल्प के लिए प्रेरित करता रहूंगा। अभी मैं बोलूंगा भारत माता की, आप बोलेंगे जय, तीन बार बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि युद्ध में भले ही कोई जीते या हारे लेकिन मानवता की विजय हो, क्योंकि हम तो मानवता की ही बात कर सकते हैं, भारतीयता में उसी को बहुत ऊंचा स्थान है। अमरीका हारे या इस्लामिक देश जीते, इस्लामिक देश हारे या अमरीका जीते, हमें दोनों में से किसी साइड में नहीं जाना है। हमें हमारी मान्यताओं पर अडिग रहना है और हमारी मान्यता मानवता की रक्षा करने की है। हमारी मान्यता तो संपूर्ण जीव जगत के कल्याण वाली है, तो उस मानवता की रक्षा ईश्वर करे, ऐसी प्रार्थना हम रोज ईश्वर से करें। आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।